जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में, जिसका टॉपिक आज का है वॉइसेस ऑफ चेंज एक्सप्लोरिंग सोशल डेमोक्रेसी इन फिनलैंड विद वकार ज़फ़र। वकार ज़फ़र यहाँ पे काफ़ी अरसे से रहते हैं फिनलैंड में, तो वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं यहाँ, जो यहाँ की मेन पार्टी है, जो बिगेस्ट पार्टी है। आई थिंक हम उनसे पूछेंगे कि वाकई वो बिगेस्ट पार्टी है या उससे भी बड़ी कोई पार्टी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वकार के साथ। तो सबसे पहले वकार, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आपने यहाँ किस तरह पोलिटिकली इन्वॉल्व हुए हैं या कैसे आपकी यहाँ पे एफिलिएशन बनी है। बट अदरवाइज़ यू कैन स्टार्ट जस्ट ब्रीफली विद योर इंट्रोडक्शन, इफ़ यू वुड लाइक टू से सम वर्ड्स लाइक फ्राम वेयर यू कम फ्राम इन पाकिस्तान और why you came to Finland like this? थैंक यू मैम। माय नेम इज़ वकार जफर। मेरा नाम वकार जफर है। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक जो है वो झेलम से है, और झेलम और फैसलाबाद दो शहरों से है। उसके अलावा फिनलैंड में 2015 में आया था टू डू माय मास्टर्स करने यूएनसू में रिसर्च केमिस्ट्री। उसके बाद अभी देन आई चेंज माय फील्ड। अभी नाम सारण हुई था। मैं एस्पो में रहता हूँ, और पिछले 9 साल से मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड का हिस्सा हूँ। दो इलेक्शन जो है ना ऑलरेडी मैं कंटेस्ट कर चुका हूँ फिनलैंड में, और अभी मैं एसडीपी के साथ काफ़ी एक्टिव हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसडीपी पार्टी से के इंट्रोडक्शन से। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिनलैंड के अंदर जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसमें टोटल सीट्स कितनी होती हैं? जैसे पाकिस्तान में तो आई थिंक अबव 300 है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है फिनलैंड की पार्लियामेंट की? इसमें अराउंड कह लें, मेरे अगर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे ख्याल में इट्स प्लस माइनस 40, 30, ये मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से 205 है। ठीक है, तो उसमें से जो एसडीपी है वो सबसे बिगेस्ट है या दरमियानी है या छोटी है, इसका क्या नौईयत है इस पार्टी की? अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो हम सबसे बिगेस्ट नहीं है, हम तीसरे नंबर पे, दूसरे ठीक है, नंबर पे हैं, लेकिन बेसिकली हम ऑपोजिशन की साइड से पहले नंबर पे हैं। ठीक है। तो बिगेस्ट कौन सी पार्टी है फिनलैंड के अंदर इस टाइम में, कोकोमुस है, 2024 में? कोकोमुस उनके सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है। आई थिंक 44 हैं शायद, 45। ठीक है। नेशनल कोलिशन पार्टी कहते हैं इंग्लिश में, फिनिश में स्वामन को कोकमस पार्टीज कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पार्टी एसडीपी, जिसको आप रिप्रेजेंट जहाँ पे कर रहे हैं आज के वेबिनार जी में या जिससे आप एफिलिएटेड हैं, तो उसके जो कोर प्रिंसिपल हैं वो क्या, उसके प्रिंसिपल हैं यानी वो किस चीज़ पे बिलीव करती है पार्टी, फिलॉसफी क्या है उसके पीछे आपकी पार्टी की? द नेम सजेस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सो बेसिकली सोशल डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में। अगर आप सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या प्रिंसिपल्स की बात करें, तो वो बहुत एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन आई विल स्टिक टू जो हमारी डिक्लेरेशन है प्रिंसिपल्स की, जो हमारी पार्टी की है, जो हर पार्टी का जिसे हम मंशूर कहते हैं या फिर आइडियोलॉजी होती है। उसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं, एक फ्रीडम है, सॉलिडेरिटी है, इक्वालिटी है। अब उसके उन ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको सोशल डेमोक्रेटिक लेंस से जब आप देखते हैं, तो डेमोक्रेसी के लेंस से देखते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली जो फ्रीडम है, और या इकोनॉमी की इकोनॉमिक साइड से देखें आप, सोसाइटी की सोशल की साइड से देखें, या गवर्नेंस की साइड से देखें, या इवन कि आप सस्टेनेबिलिटी या किसी भी एंगल से देखें, तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं। अब वन जो अगर आसान अल्फाज में इसको सम अप करना हो, तो बेसिकली जो फ्रीडम, सॉलिडेरिटी और इक्वालिटी है। नहीं, मेरी मुराद जहाँ से ये भी है कि जैसे पाकिस्तान में हमारी पार्टीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग है या उसकी है इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी जो है, उनकी जैसे कोर वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पार्टीज़ जो हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, कुछ जो हैं वो राइट विंग हैं, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हैं, तो उनकी जैसे पॉलिसी हैं, कुछ पार्टीज़ की पॉलिसीज़ इमिग्रेशन बेस्ड होती हैं, कुछ की ज़रा सी अगेंस्ट और कुछ की मिडल में मिडल ग्राउंड लेते हैं। तो यहाँ पे
एसडीपी की क्या फिलॉसफी है इमिग्रेशन को लेके उसको, इसके अलावा जो आजकल जो न्यू टॉपिक है मॉडर्न एरा का एलजीबीटीक्यू, इसका जो है इसमें क्या इनका बिलीफ है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, इनकी क्या पीछे बैकग्राउंड या फिलॉसफी इस पार्टी की? जी, उस लिहाज से अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फार लेफ्ट टू फार राइट जाएं तो जो पार्टी आइडियोलॉजी है खासतौर पर फिनलैंड में, वो सेंटर लेफ्ट की तरफ ज्यादा है। सेंटर ये जरा जरा लेफ्ट साइड पे है, बिकॉज जब हम जो अगर आप डिक्लेरेशन भी पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल का है, या वैसे भी आप सोशल डेमोक्रेसी को पढ़ें, तो उसमें ये लोग कोशिश करते हैं, ये दोनों साइड पे होता है, लेकिन मोस्टली जो जनरल बात यह है कि जब ये कहते हैं इक्वालिटी का, तो फिर ये कहते हैं कि हर नो मैटर आपकी जो भी आइडियोलॉजी, आपको बेसिक राइट या आपको बेसिक फ्रीडम है टू प्रैक्टिस द राइट, कि आपको आपको एज ए इंडिविजुअल या एज ए सिटीजन चाहे वो इक्वली ट्रीट किया जाए। इसमें बेसिकली फिर ये हो जाता है कि सोसाइटी में मोस्टली जो ग्रुप्स हैं खासतौर पर इस सोसाइटी में, जो वो एलजीटीबी हो गए और ये जो मूवमेंट्स हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर इन मूवमेंट्स के फोरफ्रंट पे यहाँ तो एसडीपी होती है, या फिर लेफ्ट लाइंस होती है, तो ग्रीन्स भी हैं, तो द लेफ्ट की पार्टियां हैं जो ज्यादातर वो इसके साथ होती हैं। तो पिछली गवर्नमेंट भी लेफ्ट की थी जब सना मारिन प्राइम मिनिस्टर थी, तो इसलिए लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, तो एसडीपी बेसिकली जो है दाएं बाजू की पार्टी है, लेफ्ट विंग। ठीक है, तो इनकी बाकी जो पॉलिसी है इमिग्रेशन के लिहाज से वो किस तरह की है, यानी प्रो इमिग्रेंट्स हैं या? प्रो इमिग्रेंट्स हैं सबसे ज्यादा एसडीपी पार्टी का, जो बेसिकली अगर आप उन जब भी अगर आप उनका इमिग्रेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो उनके ख्याल में एक तो उनकी पार्टी का मंशूर है और आइडियोलॉजी इसके साथ है कि एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल, एक दफा आप आ जाते हैं। सेकेंडली जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ये कहते हैं कि इमिग्रेशन जो है फिनलैंड में है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, तो वो इकोनॉमिक साइड से भी और ह्यूमन ह्यूमन राइट्स एक्ट साइड से भी, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी हैं या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बंदा अगर जो अगर आप सिर्फ रेफ्यूजीज की बात करते हैं, तो उसके ऊपर तो एक वास्ट पॉलिसी है इनकी, जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच है वो यही मानी जाती है कि एसडीपी की है। और इमिग्रेशन को अभी जो करंट डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में भी, और क्योंकि अभी थोड़ी जॉब मार्केट टफ है, तो गवर्नमेंट बहुत सारी कटिंग भी कर रही है, लेकिन जो एसडीपी की जो खास तौर पे अभी स्टेटमेंट आई है अंतिना जी है, वो ये है कि अगर इमिग्रेशन को टफ करना भी है, तो फिर स्किल बेस्ड जो है ना, वो अभी जो लेटेस्ट जो पार्टी पॉलिसी वो ये है कि स्किल बेस्ड को आप जरूर प्रेफर करें, उसको प्रमोट करें, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे, ये दो चीजें जो है ना उनको पार्टी जो है खासतौर पे। तो लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इमिग्रेशन या वर्कफोर्स को फेवर करते हैं, ये तो उसकी भी नेशनल कोएलिशन पार्टी जिसको कोकोमस कहते हैं वो भी यही नहीं कहती, उनकी फिलासफी भी यही नहीं है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ये स्टेटमेंट नहीं देगी कि आप स्किल वर्कर्स या फिर खासतौर पर जो स्टूडेंट जो पढ़ जाते हैं उनको यहाँ ना रखें और स्किल फोर्स है। अभी जो मेजर डिबेट वो जो होती है वो रेफ्यूजीज पे होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पे काफी हाई बर्डन होते हैं, तो उसके ऊपर पॉलिसी पोलिटिकली करेक्ट अगर आप में से सवाल जो आप पूछेंगे, तो वो यही है कि सारी कोई पार्टी उसके पेरिस लाइसेंस के अलावा उसके ऊपर कोई हार्ड स्टैंड नहीं लेती, लेकिन अब दिलों के भेद खुदा को पता है, लेकिन हमें भी थोड़ा से आइडिया हो जाता है कि वो सपोर्ट नहीं है, जनरल परसेप्शन ये है कि सपोर्ट नहीं है उसके लिए। एसटीपी भी यही कहती है कि जो वर्कर्स हैं वो जो यहाँ से बेनिफिट्स लेते हैं फॉरेनर वर्कर्स, उनको नहीं लेने चाहिए, इसके वो नहीं, हक में है उसके या? तो हमारी जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास ये लोअर क्लास है। अब आप जब इसको सोशल, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है और सोशल डेमोक्रेसी की जो अगर तो या सोशलिज्म को जो आप पढ़ते हैं या सोशल डेमोक्रेटिक जो फिलोसफी उसको आप पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये होती ही जो है जो सारी फिलोसफी है या आइडियोलॉजी है ये वर्किंग क्लास की है। जो एवोल्यूशन भी आया था, जो मूवमेंट भी चली थी, वो उसके लिए बेसिकली यही था कि इक्वालिटी होनी चाहिए दो के सोशल डेमो डेमोक्रेसी में या सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यू में, जो वेलफेयर स्टेट में कैपिटलिज्म को एज पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाता है,
लेकिन ये कहा जाता है कि बड़े और छोटे में, स्ट्रांग और वीक में फर्क नहीं होना चाहिए। अभी जो बेसिकली सबसे ज्यादा जो हमारी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है वो यही कर रही है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो कटिंग है वो यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं और वो लोअर वेज यहाँ जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर कर रही है। कोकोमोस को एज कैपिटलिस्ट पार्टी माना जाता है, उनको ये माना जाता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा फेवर करते हैं। अभी जो उनकी पॉलिसी, अभी जो हमारी काउंटर पॉलिसी आई है $6 बिलियन जो उन्होंने, सॉरी $8 बिलियन जो उन्होंने डिडक्शन अनाउंस की हैं, तो हमारी पार्टी ने जो उसकी काउंटर ये दी है कि आप जो सोशल सर्विसेज या वेलफेयर के जो फंडिंग काट रहे हैं उसकी बजाय आप जो कंपनीज हैं या जो ज्यादा पैसा कमाने वाला तबका है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएं। अभी जो नई प्रपोजल है या आई एम नॉट अपडेटेड कि वो अप्रूव हो गया कि नहीं, वैट भी 1.5% बढ़ाने का जो प्रपोजल आया है उसके ऊपर ये डिबेट चल रही है। हाँ, आई थिंक वो सुने हैं कि सितंबर से शायद लागू कर रहे हैं, सितंबर 2024 से, जी, तो वेट दो 3 महीने तक। हाँ जी, $8 बिलियन की नई डिडक्शंस हैं। उसके काउंटर दिया तो है लेकिन जैसे पॉलिटिकल अप्रोच है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बात यह है कि पार्लियामेंट में नंबर नहीं है अपोजिशन के पास कि वो उनके कोई बिल को रिजेक्ट कर सकें। पर लेकिन वो कुछ ना कुछ करना है, सो दे कम अप विद काउंटर पॉलिसीज सजेशंस कि आप बजाय जो वर्किंग क्लास है उस तबके से काटने के बजाय आप यहाँ से डिडक्शंस कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो परसेप्शन यही है कि जी इकॉनमी बहुत ज्यादा है और लोन बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको उसके लिए जो ऑप्शन बचा है उनके पास यही है कि बजाय और लोन लेने के तो डिडक्शन शुरू करते हैं जो उन्होंने की भी हैं। तो हमारी पार्टी का जो स्टांस है वो ये है कि आप सोशल स्कीम्स वेलफेयर स्कीम्स की बजाय आप जो हैं वो बिजनेस साइड वालों उस साइड पर डिडक्शंस करें। ठीक है, तो इनकी एसटीपी की जो प्रायोरिटी है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, आगे फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल अगर ये पावर में आते हैं तो वो क्लियर हैं ऑलरेडी कि वो क्या करेंगे? या तभी आपने बताया ना इनकी काउंटर आर्गूमेंट या दे रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके जी अगेंस्ट, तो जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट टाइम पावर में आते हैं तो फिर इनकी क्या पॉलिसी होगी रिकवरी के लिए या फिनलैंड को ऊपर लाने के लिए, इकोनॉमी के लिए? जी हाँ जी, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ब्लेम एसडीपी को ही किया जाता है कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। पिछले 15 साल से जो है ना फिनलैंड काफी डेप ले रहा है वेरियस स्कीम्स के थ्रू। अब बेसिकली ये हुआ कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो एसडीपी की थी और उसमें कोविड आ गया। कोविड के बाद जैसे ही कोविड से जान छूटी, तो कोविड में आपको पता है कि सब मुल्कों ने ईयू सेंट्रल बैंक से लोन लिया, तो कोविड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया कि फिर यूक्रेन वार आ गई। अब उसमें भी आपको पता है कि फिनलैंड जो है वो क्योंकि हमारा बिल्कुल नेबर है। हाँ, जो रशिया के साथ जो हिस्ट्री है उसमें फोरफ्रंट पे जाके हम काफी इन्वेस्टमेंट भी की है, लेकिन ओवरऑल हमें अपना जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो भी क्लोज करना पड़ा। उसकी वजह से जो हमारा ईस्टर्न एरिया सारा है इकॉनमी जो है वहाँ पे तकरीबन बंद ही पड़ी हुई है क्योंकि वो सारा ईस्टर्न बॉर्डर पे सारा जो ट्रेड होता था वहां था, तो एक साइड से नहीं। अभी भी अब मौजूदा सूरत हाल में आप देख लें तो काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं, यूपीएम बंद हो गई, आगे पीछे ये वो सब चीजें चल रही हैं। तो यूपीएम भी बंद हो बेसिकली गई ये है। आप यही समझे बंद ही है वो भी, क्योंकि अगर आप उसकी उसके उसके बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वगैरह, मतलब मेरा बंद से मुराद मेरा यही है कि मतलब लॉसेस में बहुत ज्यादा आप सबसे ज्यादा जो ले ऑफ्स हैं उसी साइड पे हैं। तो आई ठीक थिंक है, यूपीएम के बारे में जो इतना पॉजिटिव है वो एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो नहीं है, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर लेकिन जो मैंने जो उसका रिसेंट जितना भी देखा है, तो उसके अलावा अभी जितने भी आप देख लें आईटी सेक्टर्स देख लें सेक्टर्स लें आपको ले ऑफ की ही खबरें आएंगी। तो बेसिकली अब क्या हो रहा था कि जब से हम अपोजिशन में आए तो और फिर साना मारिन जट छोड़ गई, तो आंती जब बना तो उसने हर जो गवर्नमेंट की डिडक्शन पॉलिसी है कि अब हम यहाँ से काटेंगे तो उसने उसका काउंटर दिया उसको उनको। अब बेसिकली जब अगर नेक्स्ट सपोजिंग अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट फिर दोबारा से हमारी आती है जिसके चांसेस बढ़ी हैं, अभी हम 24.4 पॉइंट्स पे रैंक कर रहे हैं और ये पिछले 20 साल में से इतनी इस हद तक एसडीपी नहीं गई, तो करंटली इस टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी यही है बाय पॉइंट्स पे कह लें और बाय नंबर्स पे कह लें। तो लास्ट टाइम क्या रैंकिंग थी जब इलेक्शंस हो रहे थे? अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए उसमें क्या रैंकिंग थी? अभी 24 आप बता रहे हैं ना, इस लास्ट टाइम क्या थी जब इलेक्शंस हुए? ना जब इलेक्शंस हुए हैं तब भी हमारे पॉइंट्स जो थे वो आई थिंक कोकोमो से कुछ 0.9% नीचे थे शायद, जब इलेक्शन पॉइंट जो हमारी रैंकिंग थी।
जो उन्हें रैंकिंग देता है हर 3 माह या 12 महीनों के इंटरवल, नहीं पता उसकी रैंकिंग आती है कि जो पूरे फिनलैंड में पार्टी कौन सी पार्टी कहाँ रैंक कर रही है। अभी ये आई थिंक 19.9 पे या नीचे है, शायद 17 पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कोकोमस का, लेकिन काफी नीचे है कोकोमस, 2-3 पॉइंट का फर्क है इनके साथ। तो आपके सवाल पे आता हूँ, बेसिकली ये है कि हम हर डिडक्शंस जो ये कर रहे हैं, जो भी बिल या पॉलिसी ला रहे हैं, तो पार्टी बेसिकली ये क्या करती है, एक काउंटर पॉलिसी लेके आती है। अब जब अगली गवर्नमेंट आएगी और अगर अभी इन्होंने वो पॉलिसीज रिवर्स ना करके वो ना लगाई, तो फिर आई थिंक आपको फिनिश पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा धोखा होगा, जो कि यहाँ पे नहीं होता। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान वाला या फिर साउथ एशियन वाला इन्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्शन आएगा तो बड़े बड़े दावे कर दें और बाद में ना करें। हाँ, ऐसा होता है कि आप इलेक्शन में बहुत से लिस्ट देते हैं और जब पार्लियामेंट आपके नंबर नहीं आते, बेचारा गवर्नमेंट होता आप नहीं करवा पाते। और आई थिंक जब से फिनलैंड की इंडिपेंडेंस हुई है तब से ये कोयलेशन ही चल रही है मेरे ख्याल। मेजोरिटी कोई किसी पार्टी का भी नहीं आई, राइट? अगर आपको आइडिया है हिस्ट्री का। बीच में एक प्रेसिडेंट था जब ये डेमोक्रेटिक, उससे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम था इनका मेरे ख्याल से, जब तो तब एक, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो तकरीबन काफी लंबा अरसा रहा है, अच्छा, तब कोई सिस्टम ऐसा ही था। अब इवन तो पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन आई थिंक उसके पास इतना होल्ड था कि मुझे उसका नाम भूल गया। उसके नाम पे एक इधर बड़ा फेमस मूवी है, सॉरी मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन है वो एक दौर था तब ये कहते थे कि जो वो कहता था एक किस्म की डिक्टेटरशिप ही समझ ले वो थी। तो उसके अलावा जो ओवरऑल है वो जरकुलेशन ही चलती है यहाँ पे। जैसे बाकी कंट्रीज में है इधर स्कैंडिनेविया नॉर्डिक में, हाँ जी, हाँ वहाँ जी, पे ऐसे मोस्टली कोयलेशन ही चलती है। आप हर हर लेवल पे कलेक्शन ही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट यूनियन कलेक्शन होते हैं, वहां पे भी कलेक्शन गवर्नमेंट होती है, पर वहां पे थोड़ा फर्क ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पार्टी भी बना लेते हैं, फिर म्यूनिसिपल पे भी कलेक्शन है, फिर पार्लियामेंट में भी कलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल वाइज है जिसमें कलेक्शन नहीं होती, वो एक ही बंदा होता है वो किसी पार्टी का जीतता है। सो जो बाकी जो 3 इलेक्शन है उनमें ऐसे ही कलेक्शन है, किसी की मेजोरिटी कभी नहीं, मेरे ख्याल में जहां तक मैंने देखा, मुझे याद नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। चलें, ये तो इनका सिस्टम है, चलता रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो आपकी पार्टी की जो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिहाज से पॉलिसी है, जी क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं जैसे फॉरेस्ट्री, क्योंकि मैं खुद फॉरेस्ट्री में पढ़ता हूँ या उसका तालिबे इल्म, मुझे शौक है उसका, तो उसके हवाले से आपकी पार्टी क्या है पॉलिसी? यानी अभी हम देखते हैं कि यहाँ फिनलैंड के अंदर काफ़ी ये सपोर्ट कर रहे हैं जो ग्रीन प्रोग्राम, जो फॉर एग्जांपल जी इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, उनको थोड़े से इंसेंटिव दे रहे हैं इस लिहाज से कि बिजली की कीमत ज़रा चार्जिंग के लिए कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, या उस लिहाज से। बाकी इसके अलावा जंगलात तो खैर यहाँ बेतहाशा है, 75% एरिया जो वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। जी तो फ्यूचर के अंदर अब जैसे यूक्रेन की वार लगी हुई है, तो उस सिनेरियो के अंदर इनकी पॉलिसी जो पहले थी वही रहेगी एनवायरनमेंट या क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, या कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगे या कोई और चेंजिंग की सोच रहे हैं? अब वो उस पर एक डिटेल्ड एक्ट भी है, अगर आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि जो आई थिंक 1 जुलाई 2022 को एसडीपी गवर्नमेंट में ही ये क्लाइमेट एक्ट आया था। वो आप तो रिपीट कर दें क्या है वो नाजरीन हाँ के जी, वो लिए? मैं वो उसकी डिटेल में जाता हूँ, तो वो उसके मैं मेन मेन चीजें बता दूंगा, तो वो आई थिंक आपका सवाल का जवाब उसी में होगा। तो वो जो उसमें एक जो पॉलिसी बनाई थी उसमें बेसिकली ये था कि पॉलिसी ये थी कि कार्बन एमिशन को ये कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। तो उसमें फिर उन्होंने टारगेट्स बनाए थे, टारगेट 2030, टारगेट 2040, टारगेट 2050। अब उसमें एक टारगेट 2035 भी था कि 2035 में फिनलैंड का जो प्लान है या उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि हम 2035 में न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल हो जाए। 2030 में इनका ये था कि हम एटलीस्ट अपना 80% जो है, सॉरी 60% जो है कार्बन इमिशन जो है ना वो कम कर दें, 40 में 80, और आई थिंक 50 में जो 90 या 95 है, इन दोनों में से एक है, 90 to 95 कर लें। तो अब उसके लिए बेसिकली करते क्या है कि इनकी एनुअल, फिर उसको फर्दर इन्होंने पहले पॉलिसी बनाई, फिर टारगेट्स बनाए, फिर उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। अब मॉनिटरिंग सिस्टम जो ये है कि वो हर साल जो एनुअली ये मॉनिटर करते हैं, और आई थिंक स्टैटिस्टिक फिनलैंड जो है वो उसकी एनुअल रिपोर्ट देता है।
उसके लिहाज से फिर ये असेसमेंट करते हैं कि हम अपने गोल्स के कितने करीब हैं. तो उसकी बेसिस पर ये जो अपनी क्लाइमेट चेंज की जितनी भी पॉलिसी, अब ये मेजर एक्ट है और ये उनकी प्लानिंग है और उनके टारगेट्स हैं. अब वो आपको हर छोटे से बड़े लेवल पर दिखता है. अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनीज का उसको उसके लिए जितने भी बड़े सात पार्टनर्स आते हैं, कंपनीज को बेनिफिट मिलते हैं क्लाइमेट चेंज और चीज़ों को इको फ्रेंडली करने के लिए. या फिर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ज़्यादा बड़ी मिसाल तो मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो जैसे होटल्स में जो प्रोडक्ट है या फिर चीज़ों पर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो ऐसा यूज़ करते हैं जिससे वो इन्वायरमेंटल साइड पे चली जाती है, तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए फिनलैंड जैसे में, रिसाइकल हाँ रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं। जी रिसाइकल प्रोडक्ट. फिर इन्होंने सारी बसें जो अपनी इलेक्ट्रिक कर ली हुई हैं, आपके ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. फिर इन्होंने काफ़ी कई साल जो है सब्सिडी दी है इलेक्ट्रिक कारों पे, दी है इन्होंने सब्सिडी. फिर ये कोई टैक्सेशन में रिलैक्सेशन थी, तभी मेरे माइंड में बेसिकली मुझे ये चीज़ आई है. लेकिन वो बड़ी डिटेल्ड है. फिर उनकी पूरी वो है मिनिस्ट्री है जो इसको पूरा फॉलो अप करती है, हर पॉलिसी बनाते हैं डिटेल में. तो फिर आपने भी फायदा उठाया था उससे, जब इलेक्ट्रिक कार्स के लिए पॉलिसी थी नहीं, मैंने मेरे पास आपने। इलेक्ट्रिक ही है, लेकिन मैंने जब ली गाड़ी इलेक्ट्रिक तो तब आई थिंक 2000 यूरो दे रहे थे, वे ऑफ कर रहे थे. वो मैंने मार्च में ली थी, वो जनवरी में खत्म हो गई थी. कौन सी आपके पास, टेस्ला या कौन सी? ठीक अरे मैम जी, मेरे पास है। तो इसके अलावा इंटरनेशनल्स के लिए क्या आपकी पार्टी का स्टांस है? इंटरनेशनल जो, एक तो वर्क बेस्ड इमिग्रेशन होगी जिसका थोड़ा सा हमने पहले टच किया था स्टार्ट में, तो इसके जी. अलावा जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्पाउसेज हैं, फैमिली बेस्ड जो वीज़ाज हैं, या उस लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से इनके क्या व्यूज़ हैं एसटीपी का? बेसिकली मैं आपको 4 साल पहले जब सना मारनी गवर्नमेंट थी, तो आई थिंक जब होता यह है कि जब गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत क्राइसिस आ रहे होते हैं पॉइंट, जो भी गवर्नमेंट जिसी भी गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी कोकोमुस की और पैरास्वामी लाशेत की, तो बेसिकली यह है कि आपकी रेटिंग गिरती है जब आप गवर्नमेंट होते. तब बोले का एक आर्टिकल आया था कि जो एसडीपी है वो फिनलैंड की इस राइजिंग ओले का भी बता दें जो उनका नहीं पता, जो बाद में सुनेंगे। ओले क्या चीज़ है? वाई एल ई उसको बोलते हैं। हाँ जी. तो बेसिकली वो जो है उनका वो पब्लिशिंग के लिहाज से कर लें कि उनके, हाँ, मतलब मीडिया हाँ आउटलेट है इनका सब। मेन मीडिया आउटलेट है उनकी, उनके न्यूज़पेपर्स भी हैं, उनके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, चैनल्स भी हैं उनके. तो बेसिकली जो लोकल्स हैं, समझे एक किस्म का, ये समझ लें कि हमारा पीटीवी है. अब इससे ज्यादा मैं और हाँ, पीटी मिसाल, पीटीवी या जंग या जियो उस टाइप का आप हाँ समझ। ये मेन है उनका. उनके अलावा और भी चैनल्स हैं इनके पर, लेकिन जो मेजोरिटी है वो इसको बहुत ऑथेंटिक और इसको फॉलो करती है. तो उन्होंने एक आर्टिकल दिया था, उसमें उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया था, इसलिए फिर मैं वो रेफर कर रहा हूँ. ठीक है। उस पूरी जो थी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एसडीपी फिनलैंड की सबसे बूढ़ी पार्टी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी बूढ़े लोग हैं, क्योंकि आई थिंक पार्टी को 150 साल होने वाला है पार्टी बने हुए. आपको पता है पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी? अगर आई थिंक 1800 समथिंग में स्टेब्लिश हुई थी, मुझे इतना पता. वाह, मुझे इतना पता कि आई थिंक अगले साल शायद 150 साल हो रहा है पार्टी को. तो ये इनकी इंडिपेंडेंस से पहले की पार्टी है. हाँ, मैंने रिसर्च थोड़ी सी की थी। 1889 के अंदर इनके वो फॉर्मेशन हुई थी, मतलब जो लोग इकट्ठे हुए थे। फिर 1907 या 1906 में बाकायदा इन्होंने वो बनाई थी पार्टी। हाँ जी. तो ये फिनलैंड की सबसे पुरानी पार्टी मान जाती है. तो बेसिकली उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि जो पार्टी है इसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, और आपको समझ सकते हैं कि जब बुजुर्ग एक खास एज के ऊपर चल जाते तो फिर तो बेसिकली उस लुबिल बाप यही था. तो फिर उसमें काफी डिफरेंट सेक्टर के लोगों को उन्होंने बुलाया भी था, उनका इंटरव्यू भी किया था, तो मैं भी था उसमें. तो बेसिकली हुआ ये है कि एसडीपी इस टाइम पे एक इंटरनेशनल साइड पे जब आपने क्वेश्चन किया ना जो पार्टी के फ्यूचर है, अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल्स हैं वो इस पार्टी के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ फिर इलेक्ट होते हैं. बाकी पार्टी में भी ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर जो एक परसेप्शन है या एक इमेज बना हुआ है कि एसडीपी जो है ना ये सबसे सेफ पार्टी है किसी भी इंटरनेशनल कैंडिडेट के जाने के लिए. और जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा था स्टूडेंट यूनियन का, तो मैंने भी सारी रिसर्च की थी और मुझे भी लगा था कि एसडीपी काफी प्रो इंटरनेशनल, प्रो इमिग्रेंट्स
प्रो रेफ्यूजीज भी थी, जब जब वो आए थे तभी ये उनके बारे में बहुत अच्छा हम नेगेटिव कम बोल रहे थे, और मुझे ऐसा लगा था कि ये लीस्ट रेसिस पार्टी या नॉन रेसिस पार्टी हो सकती है तो ये जिसके अंदर वाली, लोग इंटर। हाँ जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो ये वाली जो आपने बात अभी की है कि तकरीबन हर पार्टी के अंदर इंटरनेशनल लोग होते हैं, ये बात उस पर भी लागू होती है पेरोसोम अलाइनन हाँ जो? जी हैं अच्छा ठीक है, हाँ, मेरे कुछ जानने वाले उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ उनकी पार्टी से, सही है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि इससे पहले ये उन्होंने रिसेंटली बहुत ज्यादा अरसा नहीं हो गया कि उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम है, तो फार राइट की पार्टी, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है बहुत एक्सट्रीम हो गई है, वो बहुत वर्बल हो गए हैं या ओपन हो गए हैं। पहले वो पार्टी थोड़ा एक सॉफ्ट इमेज रखती थी कि ठीक थे वो फार राइट ही, लेकिन वो बड़े 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 नॉर्मल, उनका स्टांस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था जितना भी है सही पहले। है, इंटरनेशनल लोग उसका हिस्सा थे, मुझे मुझे याद है, मैं इंडियन है, मॉरिशन बेस्ड, उनको जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके, 8 साल पहले की बात है। तो वो तब जो इनका, मुझे इसका नाम नहीं, अच्छा तोमी नाम था तब, चेयरमैन था उनका, तो उसके साथ जाता था कैंपेन पे, और फिर मैं एस्पो से एक जानता हूँ, हमारी अजीजा है, फीमेल है, वो पाकिस्तानी है, वो है एसडीपी स्वामी लाइसेंस की से इलेक्शन लड़ी हुई है। तो अच्छा ये अच्छा अभी क्योंकि पिछले 7-8 साल में, वो जरा 6-7 साल में जरा ज्यादा हो गया, उससे पहले उनका एक नॉर्मल पार्टी थी, जैसे आप स्वीडिश आरकेपी है जो, तो वैसे हाँ, ही थी। मेरा ख्याल है कि इनको हर पार्टी को चाहिए होता है इंटरनेशनल, ताकि हाँ एक तो जी इंटरनेशनल फेस भी इनको दिखाना पड़ता है, और दूसरा ये कि अगर फंडिंग शंडिंग लेनी है तो उस लिहाज से आई थिंक इनको चाहिए होते हैं लोग। जी बेसिकली। सो मैं कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि पार्टी के जो फ्यूचर प्लान है खासतौर पर इंटरनेशनल को लेकर, तो बेसिकली तब उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि उनके सर्वाइवल के लिए दो चीजें हैं, या तो उनको यूथ चाहिए या इंटरनेशनल लोग चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो अगर किसी पार्टी ने कोशिश की है खुलने के लिए इंटरनेशनल लोगों के लिए, मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं पार्टी की प्लानिंग का साइड पे जितने लोग थे उनके साथ काफी कॉन्टेक्ट में था, तो अभी आई थिंक ये वाहिद पार्टी है जिसने अपनी कंप्लीट एक इदारा बनाया या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाया पार्टी के अंदर, जो अपनी हर चीज सिर्फ इंग्लिश में करेगी जस्ट टू रीच इंटरनेशनल पीपल। और इनकी पॉलिसी है कि इस साल जितने भी नए मेंबर्स आएंगे वो पूरे उनके पूरा साल मेंबरशिप फी नहीं होगी उनकी, बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में सारी पार्टियों जितने भी आप मेंबरशिप लेते हैं आपको मंथली फी देनी पड़ती है, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। नहीं तो अगर आप कितनी किसी कितनी पार्टी, फीस होती है फीस इतनी यूजुअली? ज्यादा नहीं होती एनुअली, मेरे ख्याल से 40 से 50 यूरो के दरमियान होगी, अच्छा डिपेंड अच्छा करता है ठीक पार्टी भी, जो पार्टी की पार्टी ज्यादा भी कम भी होता हो जाती है। तो जैसे एसडीपी की मेरे ख्याल से मैं 3 यूरो देता हूँ, 2.90 समथिंग, कोई सालाना 30 से 40 यूरो है इनकी। ठीक है, फिर तो ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, लेकिन इस साल जो है पार्टी की पॉलिसी है कि जितने भी नए मेंबर आएंगे पूरे साल के लिए उनके लिए कोई फी नहीं है। सेकंड पार्टी ने एसडीपी इंटरनेशनल और एसडीपी इंग्लिश के नाम से नए प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं। एक प्रोडक्ट एसडीपी इंटरनेशनल, उसका इस साल का जो प्रोजेक्ट टीम का चेयरमैन है वो उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, और बाकी जो एसडीपी इंग्लिश है वो पूरी उसी मामले जो है वो बहुत एक्टिव है। हमारा हमारा अपना एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमारी सारी प्लानिंग मीटिंग्स, इवन के जो जितने भी फिनिश मेंबर पार्लियामेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, अभी इस सैटरडे हमारी लेपावारा में जो कैंपेन इवेंट है वो इंग्लिश में है। अब ये हाँ थोड़ा सा अपनी अपनी जात का पहली चीज है, आई डोंट नो इट सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती, लेकिन ये है कि पार्टी कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल लोग इंगेज करें। बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, दे इंटरेस्टेड, और अभी खासतौर पर इस माहौल में थोड़े से लोग वरीड भी हैं कि कटिंग्स हो रही हैं और पॉलिटिकल चेंज जो है ना एकदम से तब्दीली आ रही है बहुत चीज़ों का, खासतौर पर एंटी इमिग्रेंट एक फिजा बनी हुई है और है भी, तो उसके लिए फिर लोग रहना चाहते हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव फॉर सो मेनी रीजंस, कुछ लोग इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ लोग फॉर सेक ऑफ, और आई थिंक कि वो जितने लोग जो समझते हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये एंटी इमिग्रेंट है, उनको खासतौर पर एसडीपी ज्वाइन करनी चाहिए, और अपनी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप कैंडिडेट भी बनना चाहिए, लीडरशिप अगर आपको क्रिएट करनी चाहिए। तो पार्टी का जो इंटरनेशनल लोगों के लिए प्लान वो ये है कि वो जो एक फिनलैंड में एक चीज है ना कि हम हर चीज फिनिश में ही करेंगे, पर वो उससे एक स्टेप नीचे आई है, वो हर चीज इंग्लिश में कर रही है पार्टी, और जो पार्टी का प्लान है वो ये है कि इस ग्रुप को, इस प्रोजेक्ट को पूरे फिनलैंड में एक्सपैंड करना। तो अभी ये थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ अभी 3 शहर में चल रहा है, हेलसिंकी, वांता और एस्पो में,
तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर चलेगा. और रेफ्यूजीज के लिए अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है उसमें कोई इतना जिक्र नहीं है, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है. आई थिंक फिनलैंड की जितनी भी पार्टीज है ना, वो इस हक में, चाहे वो कहते हैं कि नहीं कहते, पर एक हक में नहीं है कि वो रेफ्यूजीज लें. हाँ, स्किल बेस्ड इमिग्रेशन जो है उसके हक में सब है. और इवन के वो सॉरी इवन के यूक्रेन से भी नहीं इसके हक में, कि यूक्रेन बताया अगर फॉर एग्जांपल वार तो ले टॉर्न लिए ना, वो और कितने लेने हैं उन्होंने. नहीं, वो अगर तो वो तो फ्यूचर फ्यूचर में अगर मजीद अगर वहाँ पे हो रशिया कुछ करे वहाँ पे, नहीं तो लेंगे वहां से, तो जितने ले सकते हैं लेंगे ये लोग. सिर्फ सिर्फ नॉन यानी नॉन यूरो जोन के बाद, आप समझ जाए ना, आप ठीक है बात तो समझ जाए, ठीक। इनडायरेक्टली समझ जाए बस. तो वो रियलिटी है, दिस इज रियलिटी. आई मीन अब ये एक आम जो बंदा है वो भी ये बातें समझता है कि एक इस मुल्क में एक सिस्टम है जो आपको और मुझे पता है और जिसके बारे में बात नहीं होती, पर वो है. वो गलत है. वो हम भी समझते हैं कि गलत है और ये भी समझते हैं गलत है, लेकिन फिर भी एक उनका मुल्क है, मेजोरिटी लोगों की राय है. तो लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजोरिटी जितनी भी पार्टीज हैं वो उसके खिलाफ हैं. सही है। तो अभी आपने जब बात की थी कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए यंग लोगों को या इंटरनेशनल्स को, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान वाला या इंडिया या बांग्लादेश वाला हिसाब है कि जो पॉलिटिक्स में आते हैं उनकी वो कुछ लोग, तो चलो उनकी जेन्युइन रीज़न है कि वो अपने कोई इनके जी मसले मसाइल हैं उनके लिए आना चाहते हैं, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया था। कुछ लोग हैं जो यहाँ के जो माइग्रेशन पॉलिसी से नालायक हैं वो भी आना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ लोग कुछ इस तरह के भी यहाँ पे सिस्टम है फिनलैंड के अंदर, जैसे हमारे वहाँ साउथ एशिया के अंदर है कुछ के, कुछ लोग बाय द सेक ऑफ जस्ट आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में के फूंफा के लिए अपनी, इस तरह का है यहाँ पे सिस्टम या ये नहीं है इस तरह के यहाँ पे दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं पॉलिटिशियन हूँ या इस तरह का? आते हैं लोग, आते हैं. हाँ, नहीं मैं स्पेसिफिकली फिनिश कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि फिनिश जो लोग हैं वो भी जैसे हम हमारा होता है ना कि माइंड सेट, कि हम चलो रिश्तेदारों को पता चलेगा दोस्तों यारों को पता फिनिश चलेगा, तो इनका भी है इस तरह का माइंड सेट या इसका इतना नहीं इनका इस तरह का रुझान? लोग भी हमारी तरह इंसान है. तो जिस तरह इन लोगों की, हर बंदे की डिफरेंट सोच होती है, इनमें से भी कुछ लोग हैं जो इस चीज के लिए आते हैं. अगर आप फिनिश लोगों की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, मैं दोनों की बात करता हूँ ठीक क्योंकि है हैं सब इंसान ही. मैं अभी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, अप्रोच फर्क हो जाती है थोड़ी सी. बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी आते हैं फिनिश पॉलिटिक्स में, लेकिन फिनिश पॉलिटिक्स को समझने का, जब वो समझ जाते हैं ना, तो फिर नहीं, फिर छोड़ जाते हैं क्योंकि वो चीज़ यहाँ चलती नहीं. यहाँ पे आपकी आइडियोलॉजी बिकती है. अगर आप लीडर हैं तो आपके पास, अगर आपके पास मैनिफेस्टो है, अगर आप आइडियोलॉजिकल हैं, अगर आपकी सोच है, तो आप कामयाब हो सकते हैं. वरना फूफा वाले वो बंदे वाला कोई सिस्टम नहीं. देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब फिनलैंड में नया आया था तो मेरी ये अप्रोच थी. क्योंकि मैं पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स से आया था, मुझे अभी 25 दिन हुए थे फिनलैंड में, तो मैंने इलेक्शन लड़ लिया. अब इलेक्शन में लड़ के मैं इलेक्शन जीत भी गया. मैं पहला इंटरनेशनल था यूएनसू में जो जीत के मैं चला भी गया. अब मुझे पता नहीं मैंने आगे करना क्या है. अब आप चले, आप वोट भी ले लेते हैं, आप बैठ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने करना क्या है. क्योंकि मैं 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ था, मैं पहली मीटिंग में गया. मेरे लिए खास है, जिनको नहीं आती वो उनका राइट है. तो हर मीटिंग में ट्रांसलेटर भी आता था. मुझे नहीं समझ आती थी करना क्या है, क्योंकि मुझे सिस्टम, हाँ मैंने फैसला ले लिया मैं इलेक्शन लड़ना है. तो फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप इस मुल्क में ज्यादा देर नहीं रहते. फिर मैं 3 महीने मीटिंग्स में गया, मैं फिर मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया था क्योंकि मुझे सिस्टम, मैंने सिस्टम को जाने बगैर, चीज़ों को समझे बगैर छलांग इलेक्शन लड़ लगा दी चलांग थी यहाँ। लड़के. तो अभी इनके लोग भी आते हैं और हमारे देसी लोग भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नाम नहीं लेता, पर लेकिन साउथ एशियन रीजन के काफी लोग हैं जो इस चीजों में थे, इस चीज पे. और काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे इंडियन ओरिजिन के, ठीक लेकिन वो है ग्रोथ नहीं कर पाए, वो सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शन तक रहे क्योंकि उनके पास अपनी वो यारों दोस्तों कम्युनिटी के वोट थे, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं थी. अब मैं इसके लिए आपको बेहतरीन मिसाल सुनाता हूँ. नसीमा राजमियार, ठीक है। नसीमा राजमियार, थोड़ा सा उसका बता दें नाज़रीन नसीमा को कि उसका राजमियार बैकग्राउंड क्या है, कहाँ की? अफगानी बैकग्राउंड की औरत है. शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेलसिंकी की डेप्टी मेयर भी रह चुकी है. वो आई थिंक 8 साल की थी जब अफगानिस्तान से वो माइग्रेट करके इधर आए थे, और वो एज ए किस रेफ्यूजी पार्टी आए की थे. है? ठीक वो हमारी पार्टी के, एसडीपी के, है एसडीपी की वाइस चेयरमैन है.
फर्स्ट वाइस चेयरमैन, मतलब चेयरमैन के बाद सेकंड नंबर पे वो है, वो समझे यहाँ के मरियम नवाज है। तो है हाँ जी, वो इतनी काबिल औरत कि उसने स्टार्ट किया बेसिक से। वो पहले काफी सारी यूनियंस होती हैं जो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, उनमें काम करती रही। फिर जब उस सिस्टम को समझी, शी इज वेरी प्रो इमिग्रेंट, शी इज इवन प्रो रेफ्यूजीज। वो लास्ट मीटिंग में हम बैठे हुए थे, उसने कहा था कि हमें रेफ्यूजीज भी लेने चाहिए और इमिग्रेंट्स भी लेने चाहिए, क्योंकि इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। आई थिंक शी सेड $2 बिलियन और शायद $20 बिलियन, मुझे याद नहीं। खैर, उसकी मिसाल ये है कि वो इलेक्शन लड़ी। अब वो पहला इलेक्शन जब लड़ी तो मुझे याद है कि शी सेड दिस कि मैं सिर्फ 60 वोटों से रह गई, काश 60 गानी और मुझे वोट डाल देते तो मैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन जाती। सो जितने भी लोग हैं, पहली दफा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का बनते हैं तो आपको फिनिश लोग की सपोर्ट नहीं मिल सकती, वो एक नेचुरल फैक्ट है, क्योंकि नोबडी नोज यू अंटिल आप पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं बन जाते। तो वो बनी, वो फिर अगली दफा फिर इलेक्शन लड़ा और बनी, अफगानियों के वोटर बनी। फिर उस औरत ने मेहनत की एंड उसकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग थी, उसकी पॉलिटिकल सेंस स्ट्रांग थी, शी इज केपेबल, और सियासत में शी हैड समथिंग टू सेल। तो आज वो तरक्की करते करते हेलसिंकी की डेप्टी मेयर और एक इस टाइम पे मौजूदा टाइम पे सबसे जो बड़ी पार्टी है बाय पॉपुलैरिटी जो है उसकी, वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन। तो अच्छी मिसालें हैं। तो वो वहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ हुपा के लिए सिस्टम में आती तो वो फिर आई थिंक अपना म्यूनसिपल का या स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीतती। और क्योंकि आपको दो चीजें हैं, एक तो आपकी आप पार्टी वो ज्वाइन करो जो आपकी आइडियोलॉजी से लाइन करती है, दूसरी बात यह है कि आपको सिस्टम पर आना चाहिए। विदाउट सिस्टम जाने, जो मेरी गलती थी जब मैंने वो इलेक्शन जीत के मैं वो काउंसिल में बैठा तो मुझे सिस्टम नहीं पता था। हमारे जिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, मोस्टली इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा था कि यार ये मसले हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप ये, मुझे 3-6 महीने बाद जाकर पता चला मोशन मूव कैसे करना है काउंसिल में। अच्छा तो ये बात है कि पहले आप सीखें और ये सब चीजें करें अगर आपको लगता है कि, और इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई फूफा वाला सिस्टम है ही नहीं, कोई जलसे नहीं होते, कोई रैलीज नहीं होती पॉलिटिकल, छोटी छोटी मीटिंग होती है, बूथ लगते हैं, कोई बड़ी गैदरिंग भी नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर पैसे भी नहीं लगाती। तो फूफा तो है ही नहीं है भाई सिस्टम में, फूफा ही नहीं है। देखो, यानी हर एक ने अपनी पॉकेट से करना है, अगर उसने कोई मीटिंग अरेंज करनी है, या क्या हिसाब होता है? आप ही कुछ जो जो पार्टीज़ का काम यह है कि वो कैंपेन इवेंट करते हैं यहाँ 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 पे, उन्होंने किया है फ्रांच फ्रांच जगह पे पार्टी ने इवेंट किया, जाके जो भी कैंडिडेट है वहां जाके जो है ना देखें वो अपनी कैंपेन कर सकते हैं खुद। बाकी अगर आपने कोई भी इवेंट करना है तो अपने पल्ले से करना है, आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह लगानी अपने पल्ले से करनी। इस लिहाज से तो फिर जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, फॉरनर्स या इंटरनेशनल्स, तो मतलब इनका सिस्टम इस तरह के कि उन्होंने काइंड ऑफ एक छलनी लगाई हुई है कि जो जिसके पास, जैसे आपने बताया, आइडियोलॉजी, जिसके पास फिलासफी होगी वही पास कर सकेगा उस छलनी को, अदरवाइज बाकी जगह वो ऊपर ही रह जाएंगे। नहीं, अब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोअर लेवल पे आप इलेक्शन जीत सकते हैं, बिकॉज लोअर लेवल पे आप नंबर ले सकते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते, 300, 400, 500। नहीं, लेकिन अगर किसी ने उस लोअर लेवल से ऊपर ग्रो करना है तो उसके लिए तो जैसे उसको चाहिए ना, आगे विजन चाहिए उस बंदे को, जी उसके बिल्कुल उसके उसके बगैर नहीं वो ऊपर बिल्कुल, जा सकता है। ये वो विजन, उसके पास कोई कोई एजेंडा होना चाहिए, उसके पास मैनिफेस्टो होना चाहिए और समथिंग टू, उसकी लोगों को समझ आनी चाहिए। और क्योंकि आप एक एक, एक सर्टन लेवल के बाद आप अपनी नेशनल सपोर्ट या अपनी रीजनल सपोर्ट के अलावा आपको फिनिश लोगों की सपोर्ट लेनी है ना, आप उस लेवल तक पहुंचना है, आपको अपनी फिनिश, आपका फिनिश का लेवल होना चाहिए अंटिल दैट पॉइंट। फिर देन आपको पता होना चाहिए कि फिनलैंड में करंट जो मौजूदा सूरत हाल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, करंट अफेयर्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं, आपको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को जज करने की और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में क्या कहना है, या किन चीज़ों को आगे किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप किसी आइडियोलॉजी के साथ हैं तो उस आइडियोलॉजी के लोग के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। जब भी एवरीडे जब भी मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कुछ चीज़ कैंपेन प्लानिंग वगैरह, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और मेरे लिए मुझे ये बात, मेरा खुलासा यही है कि
जो आपने पॉइंट किया ना कि अगर आपकी पॉलिटिकल कुमा के लिए सिस्टम, वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपका है भी है, आप छोटे लेवल पे इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 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 कल्चर है वो ही है, इक्वालिटी का है। वो आपको अगर आप अंटिल आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं है, तो बाकी का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, ना कि फूफा है, और आपको यू विल बी ट्रीटेड लाइक एज ए नॉर्मल पर्सन। डिसीजन मेकिंग में आपका जरूर एक रोल अदा कर सकते हैं, बाकी आपकी कोई फूफा नहीं है। तो अगर कोई बंदा इस मोटिवेशन से आता है कि यार चलो मैं यहाँ पे मेम्बर काउंसिल बन जाऊंगा, मेरी बड़ी फूफा होगी, तो वो कुछ चक्कर कोई नहीं है, या सिफारिश करवा अंडरमाइन। लूंगा हाँ नहीं, वो कोई चक्कर नहीं। हाँ होता हाँ ही है कि जब आप बन जाते हैं, तो देन अगर आप केपेबल हैं और आपकी पार्टी पोजिशन में है, तो आप फिर एग्जेक्टिव बोर्ड बोर्ड्स होते हैं, कमेटीज होती हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। और वो मिसाल के तौर पर मैं एस्पो में रहता हूँ, एस्पो के जो म्यूनसिपल लेवल के सारे काम वहीं से होते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं कराता, ना उसका काम है। हमारे इधर ये होता है ना, मेंबर पार्लियामेंट भी आपकी सड़क बनवा रहा है, आपका मान लीजिए बिजली ठीक करा रहा है, वो इनका काम नहीं है, वो म्यूनसिपल वाले उनमें आप कर रहे हो। जैसे अभी वांता में एक इंडियन है मानव फूल, तो उन्होंने मोशन पास किया, मोशन लेके गए कि जो वांता की सिस्टर सिटी है ना, वो इंडिया से लेते हैं। तो यहाँ पे एक रिवाज है कि एक सर्टन काउपुंकी है ना, तो उसकी एक सिस्टर सिटी भी होती है। तो उसने प्रपोजल दिया, वो रिजेक्ट हो गया उसका फाइनली। और वो आप पर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्यों। तो बेसिकली जब आप उस काउंसिल में होते हैं, तो आप मोशन मूव कर सकते हैं, और मोशन मोशन आप ला सकते हैं, वो एक उसमें सर्टन रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा अगर आप कमेटी के हिस्सा हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग में हैं। अच्छी बात यह है कि अब इनकी अगर आप इंटरनेशनल हैं और आपको फिनिश नहीं आती, और आप फिर भी अगर इलेक्ट होकर जाते हैं, तो यू कैन स्पीक देयर इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। वांतर तो जो लोग ऑलरेडी जैसे आपने बताया इंडियंस वांता से हैं या और म्यूनसिपैलिटी से इलेक्ट होते हैं, तो उनमें से कुछ इस तरह के भी हैं, या पाकिस्तानी उनमें से कुछ इस तरह के भी हैं जिनके पास नेशनलिटी है और उनको फिनिश नहीं आती, तो वो आ सकते हैं इसमें इंटरनेशनल ग्रुप में, या उनके लिए वो कहते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट है फिनलैंड का तो आप कम अज़ कम लैंग्वेज तो सीखें, इस तरह की तो कोई नहीं है रिस्ट्रिक्शन पार्टीज़ की तरफ से? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो कभी ये भी वो कह नहीं सकते ना, सिस्टम ही ऐसा है। ये ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन है अगर आपका वो ये कहते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन, वो तो वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं कर सकते। वो दिल में कह सकते हैं या आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को सामने नहीं कह एज अ सकते. ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिकली या फिर किसी रिटन फॉर्म में, तो ये कोई कहीं नहीं है। क्योंकि आपका राइट है, अगर आपको फिनिश नहीं भी आती, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इलेक्शन लड़ो। लोग लड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग लड़ते भी हैं। तो और जो अगर हाँ जी आप कंप्लीट कर लें. जी, तो बेसिकली ये है कि कोई भी आ सकता है। और जो मैं समराइज कर रहा था, वो यही था कि पार्टी ने पार्टी जा रही है इन ऑल डेप्थ्स, ताकि जो इंटरनेशनल लोग हैं वो पार्टी के मेंबर भी बने और कैंडिडेट भी बने। मैं रेगुलरली जो है डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट नेशनलिटीज के जो है, खासतौर पर एशियन एंड अफ्रीकन, मैं उन कम्युनिटीज के साथ मिलता हूँ, और मैं उन्हें इंकरेज करता हूँ कि आप लोग अपना कैंडिडेट दें, एसडीपी के लिए इस पे इलेक्शन लड़ें। बात यह है कि खाली जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, खाली बैठ के बात करते रहेंगे, नहीं ये पॉलिसी भी गलत है, वो पॉलिसी भी गलत है। अब वो ठीक है, बातों की हद तो ठीक है, लेकिन अब एक्शन यही हो सकता है कि आप आए ना, फिर आप एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बने जो जो बातें आपको नहीं पसंद, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन वो इलेक्शन तभी एक्शन ले सकती है जब उसके पास नंबर होंगे। जब वोट आपने डालना नहीं है, यहाँ पे लोग हमारे इंटरनेशनल लोग नहीं वोट डालते, वोट डालना नहीं है, कैंडिडेट्स आपके हैं नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर हम अगले 50 साल भी बातें करेंगे ना। तो यहाँ इसका जो आपकी पार्टी है फॉर एग्जांपल, या चलें कोई फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए कोई भी पार्टी है यहाँ पे, तो उनकी मेंबरशिप का कोई खास मंथ होता है साल के, इस मंथ में वो ओपन करते हैं, हर पार्टी का अपना होता है कि इस मंथ में ओपन करते हैं इस मंथ में क्लोज करते हैं, या सारा साल चलती रहती है मेंबरशिप्स, कोई साल साल आइडिया? चलते रहते हैं, मेंबरशिप आप कभी भी ले सकते हैं, मेंबरशिप का कोई मसला नहीं है इनका। तो उसका तरीका क्या क्या होता है, इनके पोर्टल के ऊपर जाना पड़ता है पार्टी का, या क्या, या किसी को अप्रोच करना पड़ता है कोई सेक्रेटरी को या इन किसी को? माय एक्सपीरियंस सब ज्यादातर तो वो है ऑनलाइन फॉर्म दिया होता है, भरे, तो आपको पता जितने ये पेशेंस वाले हैं और आराम से काम करते हैं, दे टेक सम टाइम कुछ। लेकिन अभी हमने ये इशू रेज किया था, तो भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको विद इन 10 मिनट्स में मेंबरशिप दिलवा देंगे, मसला कोई नहीं। हम जो अच्छा जो हमारा वो डायरेक्टर है ना, तो उसको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि पीपल आर इंटरेस्टेड, लेकिन जब इंटरेस्टेड होते हैं वो फॉर्म भरते हैं,
उसने कहा कोई मसला नहीं है, वो अपना मैं फॉर्म भेजूंगा, वो भर के तो कंसेंट भी दे दें तो हो जाएगा। तो अभी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो सैटरडे को हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे नए लोग जो मेंबरशिप ले रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं मेंबरशिप, और उसी वक्त मेंबरशिप मिल जाएगी। बाद में वो आपको अलॉट करते हैं, एक फॉर्म होता है वो आप भरते हैं, फिर आपको यहाँ पे जितनी भी पार्टीज होती हैं, जैसे एक शहर है जिसमें एस्पो में रहता हूँ, तो आगे एस्पोर्ट सब डिविजन्स में डिवाइडेड है उस पार्टी की, फिर उस रीजन में उस पार्टी की एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका दफ्तर होता है, आप उनसे अटैच होते हो फिर उनकी एक्टिविटीज वगैरह में। तो जो अभी हम SDP इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म के से अभी हम वांता की और एस्पो की ज्यादातर लोकेशन यूज कर रहे हैं, पर मेंबरशिप उसी वक्त दे देते हैं, फिर वो आगे जो होती है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन वो आपको जो आपकी मेंबरशिप जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है ना सब डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर, फिर वहां से आपको ईमेल आती है कि भाई आपकी मेंबरशिप हो गई है, ये एक्टिविटी पर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज की ईमेल्स करते रहते हैं, उनके आप इवेंट ज्वाइन करें। तो उसमें जो जैसे आप कह रहे हैं कि मेंबर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो उसमें आपको कोई आइडिया है कि किस कम्युनिटी के ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी को, या इधर उसी रीजन में किस रीजन के, दुनिया के या किस कंट्री के ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर्स? मेरा ज़रा ताल्लुक जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी नंबर वन पे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे SDP इंटरनेशनल, अभी जो हमारा हमारे ग्रुप की मेंबरशिप और जो स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, ओवरऑल जो तकरीबन अभी हम 10 लोग हैं उनमें से हम 3 पाकिस्तानी, तो ठीक हाँ जी उनमें से एक पाकिस्तानी तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, वो डियाकोनिया में जो है स्टूडेंट यूनियन में इलेक्टिव मेंबर है, और एक और है, तो उसके अलावा पाकिस्तानी है, इंडियन है ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे नाज़रीन देखेंगे बाद में इस वीडियो को, उनके लिए क्या तरीक़ाकार है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान से आता है, यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला होता है, तो अगर वो स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन नहीं करता, उसके अलावा कोई उसके पास रास्ता है डायरेक्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए? पहले उसको स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करे, उस रास्ते से आना ईजी है, या क्या वे आउट क्या हो सकता है जो नया स्टूडेंट आएगा, या उसके लिए अगर इन्फॉर्मेशन उसको आप बताएं? पार्टी के बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप जो मर्जी ज्वाइन कर रही हैं आपकी मर्जी है। एक होता है जैसे हमारा सॉन्ग है सो स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके अलावा एक स्टूडेंट्स के अलावा एक यूथ के लिए है वो है, फिर जो है ये जैसे नॉर्मल मेंबरशिप होती है वो होती है, ये आपकी मर्जी है। स्टूडेंट यूनियन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको वैसे आपकी यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, सेकेंडली आप फिर वोट डाल सकते हैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में भी और इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, तो उसका ये डेफिनेटली बेनिफिट ये होता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे जो सॉरी पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में, और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में इतने ज़्यादा वोट भी नहीं चाहिए होते, तो आप सही उसमें है। इलेक्शन लड़ें। अब कई यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जाम्पल मैं अब UAF में था, हमारा 13,000 कुछ का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 273 कैंडिडेट्स थे और टॉप 39 ने बनना था, जो 39 टॉप वोट ले जाते थे। अब जो आई थिंक जो लास्ट बना था ना, जो लास्ट 39th बंदा आया था, उसने मेरे ख्याल में 30 समथिंग वोट लिए थे, अच्छा, मेरा टोटल ओवरऑल 39 के थर्ड नंबर पे था ना, मैंने इतने ज़्यादा वोट ले लिए थे, लेकिन जो तब सबसे एंड वाला बंदा था ना वो मुझे नहीं याद किस पार्टी से, उसको 39 और 38 शायद वोट पड़े, तो जो ये भी टॉप पे डिपेंड था। करता है कि आप जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसने ओवरऑल ऊपर वाले कितने वोट लिए, फिर नीचे वाले ना नीचे वाले का लोअर लिया जाता है, लेकिन एवरेज 30 to 50 के दरमियान जो है ना बन जाते हैं। तो जो उस टाइम टॉप पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, उसने कितने लिए थे वोट, याद है आपको? उसने हाँ 117 वोट थे उसके सही है। नंबर वन पर। अच्छा, यहाँ पे असद ने हैंड रेज किया, तो मैं उसको अलाउ करता हूँ टॉक के लिए। अगर उसने, आपने कोई बात करनी है तो आप पूछ लें बिल्कुल असद। जी, मैंने आपको टॉक के लिए अलाउ किया असद, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू सो मच, कैन यू हियर मी? यस, वी कैन यस हियर यू। ओके, पहले तो शुक्रिया, मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था बड़ी तवज्जो से, एंड इट वाज सो फ्लुएंट दैट मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं। तो जब तक ये कंसर्न है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करें, तो मैं ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि जो हैं इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स में, तो स्टूडेंट यूनियन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, वो आपकी ग्रूमिंग कर देती है, आपको डेकोरम का पता चल जाता है, प्रोटोकॉल का पता चल जाता है, तो बेसिकली दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ नर्सरी फॉर द पॉलिटिशियंस।
So, and it's easy, but as Waqar said, ke jab aap idhar aate hain, so you don't know what to do and what to expect from them. And same happened with me. Jab main idhar aaya tha, to maine election lada. So, main board mein elect ho gaya. कहाँ से आपने लड़ा था इलेक्शन, किस सिटी से, किस जगह से? ओडिया को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेलसिंकी में. ठीक है. ये तकरीबन इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं अक्रॉस फिनलैंड. तो भाई पहले साल तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि जी क्या करना है, इधर मीटिंग्स के अटेंड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं. सो मैं बिल्कुल ही क्लूलेस था, इवन दो आई हैड अ डिग्री इन पॉलिटिक्स. सो 3-4 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया उससे. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग एंड आई टुक पार्ट इन द इलेक्शन वंस अगेन. सो नाउ आई नो एंड आफ्टर अ वाइल दैट आई विल स्टेप इनटू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स. बट नाउ आई हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट और जनरली इन फिनलैंड. सो यू हैव टू नो the basic three components of the political system here. So you have to have a very good idea of the market, the trade union and other organizations, and then you can decide like if you are capable of enough. You have to be really credible and you have to have this ideology and this this idea of influencing other. Agar aap ye jaise aapne pehle mention kiya के फूं फां के लिए आ रहे हैं तो वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अरसे के लिए. या तो आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करें और इवेंचुअली यू विल कीप ग्रोइंग एंड बाय द टाइम यू विल बी लर्निंग अ लॉट एज वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. मैं वॉक कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलने में. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अच्छा तो मैं वो हम जो लास्ट बात कर रहे थे जॉइनिंग के लिए पॉलिटिक्स में, अगर जो स्टूडेंट्स आते हैं तो एक तो स्टूडेंट यूनियन का रास्ता है, वहाँ से वो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी हो सकती है या कर सकते हैं अपने आप को इन्वॉल्व. तो इसके अलावा जो बिल्कुल नहीं जानता बंदा, मतलब स्टूडेंट यूनियन फॉर द सेक ऑफ जॉइन तो जाहिर है यहाँ करनी पड़ती है, फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, वो लाजमी है यहाँ पर, लेकिन वो इस तरह की कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता, ना उसको कोई पता है यहाँ पॉलिटिक्स का, लैंग्वेज का बैरियर आपको पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा. तो लेकिन कुछ साल बाद, 2-4-5 साल बाद उसको इंटरेस्ट होता है या उसका कोई इस तरह का वास्ता पड़ता है किसी बंदे के साथ, आप जैसे बंदे के साथ या किसी और के साथ जो पॉलिटिक्स में काम कर रहा है या इन्वॉल्व है यहाँ, तो उसके लिए क्या इजीएस्ट मेथड या रास्ता हो सकता है ज्वाइन करने का, कि वो डायरेक्टली पार्टी पार्टी की मेंबरशिप ले, उसके बाद वो फिर उसके अंदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, या इसके अलावा भी कोई आपको सजेस्ट करते हैं जो इजीएस्ट और फास्टेस्ट मेथड है ज्वाइन करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, आपको पार्टी की मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कई म्यूनसिपल लेवल के इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं या पार्लियामेंट लेवल के. ठीक है. मैंने पार्ट मैं इवन के SDP की लिस्ट से इलेक्शन लड़ा जब मैं अक्टूबर 2015 में इलेक्शन लड़ा था, पर मैं पार्टी की मेंबरशिप नहीं थी मेरे पास. ये दो डिफरेंट चीजें हैं. आप इलेक्शन से लड़ सकते, स्टूडेंट एज स्टूडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, पर मेंबरशिप नहीं चाहिए आपको पार्टी की. ठीक है. इवन दो कि मेरे में जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल उसमें भी मैं पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था, वोटिंग होती थी पार्टी के, मतलब SDP का वोट जाता था उसमें उनको, लेकिन मेरे पास पार्टी की मेंबरशिप नहीं थी. आप लोकल लेवल पे जब आपने एक्टिव होना है ना म्यूनसिपल लेवल पे, तब मेंबरशिप चाहिए, स्टूडेंट लेवल पे जरूरत नहीं है पार्टी की मेंबरशिप. दूसरी यह है कि आप एक तो जो आपकी लोकल जो स्टूडेंट हर पार्टी की जो स्टूडेंट एसोसिएशन है वहाँ पे दफ्तर उनका ना हर इलाके में दफ्तर जो है ना वो ही हैंडल करता है, वो आते हैं आपके कैंपस पे जब इलेक्शन होते हैं बूथ लगाते हैं, वो आपको सेल करते हैं अपना अपना आइडियोलॉजी सेल करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट बनना है तो ये फॉर्म है, इस लिस्ट आप सब कुछ कर लो. तो आप वो कर सकते हैं. सेकेंडली अगर आपको SDP का कैंडिडेट बनना है और पूरे मुल्क में आप कहीं भी हैं, पूरे फिनलैंड में कहीं भी हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ. मैं बेसिकली जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में वो पार्टी हेड ऑफिस की ऑलरेडी हेल्प करता हूँ कैंपेन वगैरह में, खासतौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साइड पर. तो एक वन वे ये है कि आप जो लोकल पार्टी एसोसिएशन का बूथ लगेगा वो, नहीं तो उनके ऑफिस चले जाएं आपके, वहाँ पे हर 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 छोटे बड़े जिले में हर जगह हर म्यूनसिपैलिटी में
नंबर थ्री हम है, नंबर फोर जो है जो हमारा प्लेटफॉर्म है एसडीपी इंटरनेशनल है, आप उसको फेसबुक पे इज अ क्लोज प्राइवेट ग्रुप आप उसको ज्वाइन करें, तो वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम किसी भी फिनलैंड के आप रीजन में है आपको फिर हम सपोर्ट भी करेंगे आपको, अगर हम पार्टी पैसे नहीं देती पहले से बाकी सब कुछ कर देती है आप। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो कैंप जो कैंपेन उनके बूथ पे हो रही थी, सही है मटेरियल सारा मैंने पार्टी से प्रिंट करवाया अपना, वो, मैंने मतलब इवन के अपने मेटालिक बैजेस तक पार्टी से प्रिंट करवाए वो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो सारी फ्री ऑफ कैंपेन की कॉस्ट, चीज। वो आप ऊपर डिपेंड करता। मैंने उन्हें कहा जी मेरी कैंपेन टीम में 20 लोग हैं, और वाकई 20 लोग थे, मैं कहा एटलीस्ट सबको देखे मेटालिक बैज मिलना चाहिए, ठीक है तो फिर उसने उन्होंने मेरे नाम को मेटालिक बैज बना के दिए, फिर मैंने उनको, आप ये डिपेंड करता है आप पे ऊपर, ये वही बात है जिसकी जितनी काबिलियत तो उतना उतना काम निकलवा ले उनसे। सही है बाकी कैंडिडेट ने कुछ भी नहीं किया, मेरा मटेरियल जो है ना वो हम स्टूडेंट हाउसिंग में भी नीचे फेंक रहे थे, सब कुछ करते, सब प्रिंट मैंने वहीं से करवाया, तो सही ये है आप पे डिपेंड करता है, पार्टी बहुत सपोर्ट करती है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप सपोर्ट ले कैसे सकते हो, तो वो ऐसे नहीं है आप बैठे रहोगे बहुत ही देने आएंगे आपको, यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि उनसे आप कैसे काम निकलवा सकते हो। तो पूरे फिनलैंड में आपने किसी भी अगर एसडीपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है सिर्फ एसडीपी के, आई कैन हेल्प यू, मैं आपको नॉमिनेशन भी लेकर दे सकता हूँ पार्टी लिस्ट पे, वैसे इतना मुश्किल काम है ही नहीं है वो, लेकिन फिर भी इफ यू नीड गाइडेंस तो वेलकम, हमारा प्लेटफॉर्म है आप उसके थ्रू पर्सनली भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली नवंबर में इलेक्शंस होते हैं, अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में, दिसंबर में तो काउंसिल स्टार्ट हो जाती है कई जगह, जनवरी में होती है, तो अक्टूबर नवंबर जब आप सेशन स्टार्ट होता है उससे 1-2 महीने बाद नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज में, और वो कितने अरसे के लिए इलेक्ट दो करते साल हैं। के लिए, 2 साल के लिए स्टूडेंट यूनियन, 2 साल के लिए म्यूनिसिपल, 4 साल के लिए पार्लियामेंट भी, 4 साल के लिए और प्रेसिडेंट 6 साल के लिए। सही है तो जैसे अब जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर है इलेक्शन उसके ऊपर एक बंदा सिलेक्ट हो गया 2 साल के लिए, तो उसके बाद अगर जो ही उसकी एक्सपायर हो रही है उसकी इलेक्शन जो है डेट, तो उस टाइम जो न्यू इलेक्शन है उसमें वो दोबारा खड़ा हो सकता है या उसको थोड़ा हाँ सा हाँ ब्रेक हो लेना सकता है, पड़ेगा। अगर वो स्टेल स्टूडेंट, अगर वो स्टेल स्टूडेंट है तो, और ठीक है स्टूडेंट यूनियन उसमें के उसमें मेंबर, कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि बस एक दफ़ा बना है तो बीच में 1 साल का नहीं गैप नहीं होता सर, है दोबारा। अगर आप मोस्टली ये होता है कि पहले काउंसिल इलेक्ट होती है, फिर काउंसिल जो है वो उसके ऊपर 3 से 4 कमेटियां होती हैं वो इलेक्ट करती है, और फिर जो बोर्ड होता है बोर्ड के 8 से 10 लोगों का बोर्ड, वो मोस्टली पेड होता है, जो बोर्ड होता है यूनिवर्सिटी बोर्ड उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स चलती है, उसमें पार्टी आपस में निगोशिएट करके नंबर ऑफ सीट जो है ना अगर एग्रीमेंट कर लेती है, अगर नहीं होता तो फिर वो एक डिफरेंट प्रोसीजर चला शुरू हो जाता, क्योंकि मैं मुझे बोर्ड की सीट नहीं मिली थी, ठीक हमारे है उधर जरा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने बोर्ड के लिए अप्लाई किया था तो मुझे उन्होंने किया था, जिसकी वजह से हालांकि हमारी पार्टी को निगोशिएशन में सीट मिली थी पर लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे नहीं दी, हालांकि मेरे पार्टी की लिस्ट पे सबसे ज्यादा वोट थे, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको निगोशिएट करनी पड़ती हैं, और मेरे साथ निगोशिएट की गई थी, और फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो ये सब चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो एक मैं हूँ और एक भाई को मैं और जानता हूँ, वो कोपियो में बोर्ड पे थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे थे, वो ESN, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या नाम है उनका? तो अर्शद नाम है उनका, अगर आशा, आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं कोई बंदा? एक तो आप मेरा पी एस ए के फेसबुक पे वकार एसडीपी ऑफिशियल के नाम से भी एसडीपी का पेज है, एसडीपी इंटरनेशनल है, वैसे भी मैं वकार जफर फेसबुक पे फाइंड करके आपने मैसेज कर दिया, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले सलमान जेम्स ने हाथ खड़ा किया उससे पूछ लेते हैं। जी वकार भाई, आवाज आ रही है आपको? जी मेहरबानी। आप जी हाँ जी जी, आप थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और मेरे ख्याल में मेहर भाई ने ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो थे जो उन्होंने पूछ लिए हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने आपसे क्वेश्चन ही किया सारे उसमें काफ़ी, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले मेहर भाई ने आई गेस इसी ग्रुप में वो शेयर की हुई थी कि पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ख्वाहिशमंद है फिनलैंड में आके काम शाम करने से रिलेटेड, और आपके मैं फ्यूचर गोल्स भी अभी आपके एजेंडे में थे आज के, तो क्या आपकी पार्टी या आप लोगों की कोई डिस्कशंस इस बारे में है कि जिस तरह से आपने स्किल बेस ही कह रहे हो तो उसमें कोई लेट्स से कि कोई MOU जिस तरह से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के काफ़ी हैं हमारे चाइना के साथ हैं, कोरिया के साथ हैं, तो क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी हमारी निकल सकती है इस तरह का?
उससे पहले आप थोड़ा सा अपना बताएंगे कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या वर्कर हैं, वर्किंग क्लास हैं? का कुछ लेट्स से स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि अभी मैंने मास्टर्स कर लिया यहाँ से, और अभी तो कि इन फ्यूचर अगर, क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ये लोग फीस भी नेक्स्ट ईयर से कर दें, तो उसमें क्या ये लोग हमारे स्टूडेंट्स को स्पेशली पाकिस्तानियों को कुछ रिलीफ इसमें देंगे? सपोज के कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह से हो जाता है कि जी हम इन इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं या उनको ले सकते हैं, इस तरह से कुछ आपके फ्यूचर गोल्स में कुछ है तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पहले आप इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल एड्रेस कर लें जो सलमान ने अगर मैं किया। क्वेश्चन सही तरह समझाऊं तो प्लीज हेल्प मी आउट अगर मैं गलत हूँ। तो सवाल ये है कि क्या हमारे या मेरे फ्यूचर गोल्स में ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का यहाँ इन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन करवाएं या कोलेबोरेशन करवाएं? सलमान, ये क्वेश्चन है ना आपका? मैं इसको एक दफा जी सलमान, अब आप जी जी टॉक जी कर जी सकते। जी जी क्वेश्चन, हाँ हाँ जी। जी। जब मैं स्टूडेंट यूनियन में था वहाँ पे यूएनसू में, यूईएफ पे, तो तब मैंने अपने उस जो थी थी उनसे बात की थी। कौन तो थी? तपानी, तपानी प्रोफेसर नहीं कौन? तपानी था हमारा, प्रोफेसर अच्छा प्रोफेसर था। तपानी था, एचओडी था हमारा इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, प्रोफेसर तपानी। तो मैंने उनसे इलेक्ट होने के 1 महीने बाद ही की कि आप ना कोलेबोरेशन करते हैं। तो मैं पाकिस्तान में फॉर्मन कृष्ण कॉलेज, एफ सी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे हर साल तकरीबन उस दौर में एफ सी कॉलेज से 3 से 4 स्टूडेंट तो हमारे बैच में हमारे कोर्स में आ रहे थे। तो फिर उसने उस वक्त मुझे ये जवाब दिया था कि हमारा काइंड ऑफ है, रिटर्न नहीं है, बट लेकिन हम हर साल 3 बच्चों से यूनिवर्सिटी ले रहे हैं। आई थिंक उसके बाद उन्होंने चेकअप लगाया था। अब मेरे ये मेरी डोमेन नहीं है, अब मुझे इतने इसके बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इट इज़ वेरी पॉसिबल और यूनिवर्सिटीज का होता है। कुछ प्रोग्राम्स मैंने ऑनलाइन ही पढ़े हैं जिनमें पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी कर रही हैं, और फिनलैंड में भी हैं अफिलिएशन। लेकिन उस अफिलिएशन के लिए मेरा जो प्रोफेशन है, मैं रिक्रूटमेंट से हूँ, मेरी कंपनी भी है, तो मैंने इस पे रिसर्च की है काफ़ी। बेसिकली इसमें जो वो एमओयू साइन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये गारंटी नहीं देते कि वो आपकी यूनिवर्सिटी के इतने बच्चे लेंगे। उनका फिर वही होता यही है कि आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी करनी है। यहाँ पर वो आई थिंक मे बी जो मोस्टली जो मैंने देखा है, वो मैं रिसर्च में नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो होता यही है कि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट्स वाला प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो 1 सेमेस्टर के लिए आते हैं या तो कुछ सर्टन टाइम के लिए आते हैं। तो फिनलैंड में मुझे लगता है कि जो जो सिस्टम है ना वो इसके इजाजत नहीं देता है, क्योंकि जो फिर सिस्टम यही कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो अगर खास रिसर्च वाले किसी स्पेसिफिक चीज में गए तो उसमें शायद ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो जनरल युवास की एडमिशन में नहीं हो सकता। ये जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मुझे डिपेंड करता है। अब एक जो युवास में कोलेबोरेशन है कुछ प्रोग्राम्स में, मुझे पता है, युवा लेकिन से वो क्या स्पेसिफिक मुराद है आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस की साइड पे कुछ यूनिवर्सिटीज की हैं, स्पेशल कंपनीज के साथ भी हैं एमओयूज, सिर्फ यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं कंपनीज के साथ है, क्योंकि मैंने मेट्रोपोलिया को अपनी कंपनी के साइड अपनी कंपनी के रेफरेंस से मेरी उनके साथ मीटिंग भी हुई थी। तो उनमें कंपटीशन था कुछ कंपनीज में, तो सिंगापुर की कंपनी को वो मिल गया था। वो कुछ प्रोग्राम्स में ये चक्कर है, क्योंकि मैं कंपनी की साइड से मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो यूनिवर्सिटीज की साइड से रिसर्च कोलेबोरेशंस होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की केमिस्ट्री वाले साइड पे कोलैबोरेशन है, और ये उनके बच्चे लेते हैं, तो इतना मुझे पता है। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे फ्यूचर गोल्स में, तो अभी आई डोंट थिंक आई हैव एनफ इन्फ्लुएंस कि मैं ये काम कर सकूं, और पोलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ये मुश्किल है। ये एकेडमिक वाली साइड से ही पॉसिबल है, हो सकता है मैं गलत हूँ और ये पॉसिबल हो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो व्हाई नॉट। लेकिन एट दिस मोमेंट मुझे लगता है कि ये शायद इतना आसान नहीं है, स्पेशली ये इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते एक इंस्टीट्यूशन के दूसरे इंस्टीट्यूशन में, और अनलेस आप एजुकेशन बोर्ड पे हैं,
अगर आप म्यूनसिपल बनते हैं और अगर आप उसकी कापूंगी के एजुकेशन बोर्ड पे हैं, कमेटी में हैं, फिर ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ आप डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में इन्वॉल्व होते हैं. बाकी एज अ नॉर्मल पॉलिटिकल साइड से इस साइड पे मुझे नहीं लगता, मेरी राय ये है कि इट्स नॉट पॉसिबल. चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डिटेल्ड आंसर का. तो कमिंग बैक टू द जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर, के जो अपकमिंग इनिशिएटिव्स हैं आप इसमें कोई है आपकी पार्टी का कोई इनिशिएटिव इसमें इमिग्रेशन को लेके या इकोनॉमिक साइड को लेके? थोड़ा सा हमने डिस्कस तो पहले की है, लेकिन जी फ्यूचर के अंदर कोई आई मीन लेजिस्लेटिव जो इनिशिएटिव होता है कोई इस तरह कानून बनाने कानून साजी के अंदर आपकी पार्टी का कोई है अमल दखल फ्यूचर में, या भी कोई बना रही है गवर्नमेंट के साथ मिलके या उसके खिलाफ कोई ला रही है फ्यूचर के लिए जब दोबारा इलेक्शन होंगे 4 साल बाद? अब तो खैर 4 साल नहीं, अब कितने साल रह गए अगले इलेक्शन को? अब 2027 में इलेक्शन है, हाँ तो आई थिंक आगे तीन अप्रैल 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 टू 2020. तीन साल बाद. हाँ हाँ, पहली बात तो हमारी पार्टी जो है ना अभी अपोजिशन में है, तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन वाला तो सीन है ही नहीं है. मोस्टली जो यहाँ पे कल्चर है वो ये है कि अब कोई भी एक्ट या लेजिस्लेशन जो होती है वो आपको अप्रूव कराने के लिए नंबर्स चाहिए, और वो यहाँ पे कोलेशन के साथ ही होते हैं. अब जो अपोजिशन की कोलेशन है वो उनके पास बहुत कम नंबर्स, नंबर 1. 2 नंबर 3 जो फ्यूचर फ्यूचर की हैं वो भी जो मैंने प्रीवियसली 2-4 एक्सप्लेन किए हैं वो ऐसे ही हैं. जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी देती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो पहले जो क्या कहते हैं यंग एडल्ट्स होते हैं, उनकी नोट्स जो नौजवानों जो की जो है ना टीनेजर्स की एक किसी फंडिंग काटी थी, तो तब इन्होंने एक अपनी पॉलिसी काउंटर पॉलिसी दी थी. तो इसी तरह जब गवर्नमेंट को रिडक्शंस करती है जो ऑलरेडी जो सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल खास तौर पे जो वल्नरेबल क्लासेस हैं जो कैटेगरीज हैं उनकी डिडक्शंस होती हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है ना ये बड़े स्ट्रांग बोलते हैं. सेकेंडली जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि बाकी ज्यादा जो चीजें हैं ना वो डिडक्शंस और काउंटर पॉलिसी इसी में घूम फिर रही हैं. तो अभी इलेक्शन भी देखें, अभी EU का कैंपेन चल रही है तो वो भी सारी इसी पे ही है, एक इकोनॉमी पे, क्योंकि फिनलैंड में अभी इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा है और डिडक्शंस इकोनॉमी की बेस पे. तो अभी मेरे जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, और मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है क्योंकि मेरी फिनिश रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो यही अभी चल रहा है कि जो पॉलिसीज करंट गवर्नमेंट करती है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म आगे जो हमारा अगले 1 साल या 2 साल की जो प्रपोजल्स आते हैं उसमें सबसे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट में जो अगर हमारी गवर्नमेंट आती है जो पार्टी की पॉलिसी है वो यही है कि ये स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पे बड़ा फोकस करेंगे, और उसके बाद जो ये है कि ये कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ना वो बेहतर लाएं इस गवर्नमेंट से. ये दो दो चीजें हैं जो जो रिसेंटली जो हमारे न्यूज लेटर्स में भी और हमें ईमेल भी आती है जो जो पॉलिसी क्रिएट की जो पॉलिसी है उसके लिहाज से. लेकिन स्किल बेस्ड मुझे समझ नहीं आ रही, स्किल बेस्ड प्रमोशन वर्कर्स की किस तरह करेंगे? ऑलरेडी जैसे आपने अभी स्टार्ट में जिक्र किया और हमें पता है कि काफ़ी सारे ले ऑफ्स हुए हैं IT सेक्टर से या होने भी वाले हैं कुछ कंपनी से, तो और आई थिंक मैंने मेरी कुछ रिसर्च है कि हर साल तकरीबन कोई 5-1 हज़ार जो हैं कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्सी फाइल करती हैं, चाहे वो स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योर हों या मीडियम साइज़ हों या इवन बड़े भी, तो कम से कम 5 हज़ार 4 से 5 हज़ार होती हैं सालाना यहाँ फिनलैंड के अंदर जो उनकी है रफ्तार. तो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन ठीक है वो एक चीज़ है, मतलब अप्रिशिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो आई डोंट नो कि आपका कैसे एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि यहाँ पे सैलरीज का इतना डिफरेंस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो अगर टैक्सी ड्राइवर है यानी जिसकी सिर्फ स्किल ड्राइविंग है जी की सैलरी का लेवल, और जो एक हाईली क्वालिफाइड या कोडर है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में वो या IT में वो काम कर रहा है, तो उनकी जी सैलरीज के अंदर इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, काफ़ी थोड़ा फ़र्क होता है एज लॉन्ग एज के वो जो दूसरा बंदा है कंप्यूटर वाला वो कोई मैनेजेरियल पोजीशन के ऊपर हो या टीम ऐसे ही लीडर हो या बिल्कुल. कोई इस तरह का हो. तो उस सेंस के अंदर जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है और जो नॉन स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है उसमें कैसे ये मतलब अकोमोडेट करेंगे? इतने सारे लोग अगर स्किल्ड बुला लेंगे यहाँ फिनलैंड के अंदर, तो
या तो ऑलरेडी यहाँ से ग्रेजुएटेड लोग ऑलरेडी फिर रहे हैं जॉबलेस, तो उसमें फिर किस तरह आपकी पार्टी इसको व्यू करती है इस चीज़ को अब या जो अंडरस्टैंड करती पिछली है? इमिग्रेशन पॉलिसी थी उसमें बेसिकली क्या क्या था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन वाली ना गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन की निकाली थी। अब बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दूंगा ना तो प्रॉब्लम ये है कि उसको बड़ा ना मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड से ना ऐसे मेन टॉपिक्स पे रह रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ना ठीक है लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो वो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कुछ वोकेशनल स्कूल्स हैं उनको मैं जानता हूँ, तो वो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट उनको पे करती है, तो वो दूसरे मुल्कों में इंस्टीट्यूट खोल के वहां पे लोगों को ट्रेन करते हैं। लेट्स से एक कंपनी एक एक फैक्ट्री में वेल्डर चाहिए उनको 50, तो वो वहाँ हायर करते हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये सलमान के सवाल का जवाब भी है कि वो जो गवर्नमेंट की हायर फर्म है वो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करती है, वो इंस्टीट्यूट उनको ट्रेन करता है, उनका स्किल टेस्ट होता है और वो साथ साथ उनको फिनिश सिखाते हैं एक सर्टन लेवल तक। फिर गवर्नमेंट उनको ट्रेन करके फिनलैंड में लाती है और फिर वो ही इंस्टीट्यूट जो है वो उनको सेल करता है। अब ठीक है ऐसे इंस्टीट्यूट काफी हैं, ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ये खासकर नर्सिंग सेक्टर में तो बहुत ही हो रहा है, नर्सिंग में, हेल्थ केयर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीज होती है। तो उसी तरह जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़रा आईटी में है, इस तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनके डिफरेंट फील्ड में होंगे, लेकिन ये बेसिकली थ्रू प्रॉपर चैनल्स होती है, इसके ऊपर टेंडर्स भरे जाते हैं, लंबा चौड़ा काम है। तो ये एक पूरा एक स्किल बेस्ड इमिग्रेशन है ना, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही पेचीदा मामला, नेक्स्ट लंबा मामला। नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। हाँ जी, ये होती है, होती है। मुझे याद है कि क्योंकि मेरी रिक्रूटमेंट कंपनी है तो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फिनलैंड है, उनके 30 क्लीनर आए, क्लीनर्स आए। अब आप ना हायर हायर लेवल ही लोअर लेवल की बात करता हूँ, क्लीनर्स उन्होंने म्यांमार में 30 क्लीनर्स ट्रेन किए उनको, वो फिनलैंड आ गया। अब उन्होंने हमारी कोलेबोरेशन थी उनके साथ, तो फिर हमने उनके साथ मिलके कोशिश की कि फिनलैंड में कुछ कंपनीज के साथ मैं उनके बंदों को जॉब लेके दे सकूं, तो वो फिनलैंड वो स्किल बेस, मतलब ये एक एग्जाम्पल है स्किल बेस इमिग्रेशन की, कि कंपनी को उस जमाने में क्योंकि ये ट्रेन किए गए थे तब फिनलैंड में क्लीनर्स का फुकदान था, तो गवर्नमेंट ये देखती है कि अभी कौन सी स्किल का यहाँ पे जो है वो फुकदान है या फिर वर्कर नहीं है, तो वो फिर इसी तरह एक ब्यूरोक्रेटिक वे में उसे सारा प्रोसेस करते हैं, फिर उन वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, जुबान सिखाई जाती है, यहाँ आते हैं, इंडोनेशिया से बहुत आए हैं यहाँ पे, फिलीपीन से बहुत आए हैं, थाईलैंड से बहुत आए हैं। क्लीनिंग सेक्टर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी बाकी सेक्टर तो बहुत है, बाकी ठीक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कुछ पाकिस्तान से भी आए हैं। क्लीनिंग सेक्टर से मुझे याद है आजकल एक स्कैम भी चल रहे हैं फिनलैंड के अंदर के, कुछ क्लीनिंग यहाँ पे कंपनीज उनको इशू लेटर करती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो पाकिस्तान में लोग हैं या साउथ एशिया वैसे में। ऐसे वैसे तो लेकिन जब उनका ये होता है कि उनके साथ एग्रीमेंट इस तरह करते हैं कि अगर आपको वो एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते हैं तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब आप यहाँ आएंगे उसके बाद जॉब आपने खुद ढूंढनी है दोबारा, यानी जिस कंपनी जो कंपनी इशू कर रही है क्लीनिंग कंपनी, उसके पास कुछ जॉब नहीं है, लेकिन वो फॉर द ये सेक ऑफ, स्कैम है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, सो दिस इज ऐसा अ नहीं हो सकता, स्कैम। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है आपको वीजा तब मिलता है जब जो कंपनी आपको हायर कर रही है आपने आके काम इसके साथ कर पास करना, वरना तो गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। आए हैं पाकिस्तान से लोग और वो इसी में आते हैं, अगर मैं आपको बुलाता हूँ कि मुझे चाहिए, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मार्केट टफ है, और भले वक्तों में ऐसे ही होता था, और कोई अगर आपको बुला के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है कि भाई ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो तुम यहाँ आ जाओ और जॉब ढूंढ ढूंढ, ये इमिग्रेशन के ये मेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं, लेकिन ये स्कैम पहला स्कैम नहीं है, क्योंकि इससे पहले शायद आपको भी पता ही होगा ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का भी, उसका भी यही था कि शेफ़ लोग इस तरह बुलाते थे कि शेफ़ या वेटर उनको ये यानी थर्ड वो वर्ल्ड स्कैम कंट्री फर्क से। है, वो सॉरी टू इंटरप्ट, वो स्कैम ये नहीं था, वो स्कैम ये था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ये देता कि ये हमारे पास काम करके, जब बंदा आता है उसको कहता है ठीक है भाई आपके काम, मतलब अभी तेरे काम नहीं देना, वो स्कैम ये है। डॉक्यूमेंट में उसको ये नहीं लिखते कि भाई हम तुझे काम नहीं देंगे तुझे आगे ढूंढना है, नहीं डॉक्यूमेंट में नहीं उसको वीजा ही मिलेगा। नहीं डॉक्यूमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, सॉरी अगर कोई मेरे से गलती है बताने में। क्लीनिंग कंपनी का भी यही है कि वो भी डॉक उसमें नहीं लिखते कॉन्ट्रैक्ट में कि काम आपने खुद ढूंढना है या, लेकिन वो नॉन ऑफिशियली उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको हम यहाँ बुला लेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे के, लेकिन काम आपने आके आके यहाँ खुद ढूंढना है।
तो मोस्ट प्रोबेबली फिर उन्होंने उनको पैसे दिए होंगे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। डेफिनेटली जो लोग आते हाँ हैं तो फिर वो उनका वो उनका काम आपको नौकरी तो नहीं देना, उनका काम यह है कि आपको परमिट लेके दें और वो और ये इलीगल है, ये कोई पकड़ा जाए ना तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग सख्त एक्शन होगा, ठीक है, चलें। नहीं करना चाहिए। ये तो एग्जिमिनेंट बात बीच में आ गई थी। चलें जी लास्ट लास्ट पार्ट जो हमारी कन्वर्सेशन का, उसमें आपके पर्सनल जो है इनसाइट या आपकी पर्सनल जर्नी जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर जी करते हैं कि आप यहाँ पे जब आए थे एज अ स्टूडेंट, आप आए थे आई थिंक। हाँ, स्टूडेंट में आया था। तो जब एज अ स्टूडेंट आए थे तो उसमें जहाँ तक मैं समझाऊँ, आपने कहा था कि मैं आते ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया था, लोकल जी जी पॉलिटिक्स में। तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्यों आप आते ही इन्वॉल्व हो गए थे? क्योंकि यूजुअली जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं भी एज अ स्टूडेंट ही आया हूँ, लेकिन मैं इतना वो नहीं था। डेफिनेटली हर एक बंदे का फ़र्क भी होता है, कुछ लोग ज़्यादा पोलिटिकली एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन मुझे भी नो हाउ थी कि स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे है, उसके अंदर लोग इलेक्ट होते हैं, ये होता है, लेकिन मैं इतना वो एक्टिव कह लेंगे नहीं था। लेकिन जी आपके, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पीछे रीज़न क्या थी इतने एक्टिव होने की? क्या कोई पाकिस्तान में भी आपका बैकग्राउंड इस तरह का था, या यहाँ आके यस आप सोच के आए थे कि आपने आके करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है? जी बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो सियासत में थे, हैं अभी भी, ओके, हम जेलम में पिछले 30-40 साल से सियासत में थे। तो जब आई थिंक मैं तीसरी क्लास में था, जब थर्ड ग्रेड में था, जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज वगैरह देखना ये वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे, हायर लेवल पे नहीं, वो जो जिला काउंसिल लेवल पे, नाजम लेवल पे, वो वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो वो थे। लेकिन फिर मैं चला गया एफसी कॉलेज अपने इंटरमीडिएट करने के बाद। एफसी कॉलेज में हमारी स्टूडेंट यूनियन तो नहीं है, लेकिन वहाँ ना सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के इलेक्शन होते थे, और फिर वहाँ पे हम बहुत एक्टिव थे। मैं 8 साल पढ़ा हूँ वहाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो मैं अभी एम फिल कर रहा था वहाँ से, तो जब मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया तो उन दिनों में वहाँ पे पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव था, तो चीज़ों की समझ आती थी, वोट्स कैसे लेने हैं, कैंपेन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो है ना तकरीबन हर पाकिस्तानी ज़्यादा जो एक्टिव है, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम कैंपेन करें, लेकिन क्योंकि मेरा तजर्बा बहुत ज़्यादा था, और एफसी कॉलेज में खासतौर पर जो अपॉर्चुनिटी मिली ना वो बड़ी रिलेटेड थी फिनलैंड से रिलेटेड, बड़ा सिमिलर सा सेटअप था, थोड़ा सा चीज़ें करने का, चीज़ें जैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। मैं तो जब मैं आया तो मैंने लड़ना नहीं था, वैसे ही बूथ लगा हुआ था, मैं और मेरे साथ तो और 3 पाकिस्तानी दोस्त हम गए, तो वहाँ में वो कहते हैं इलेक्शन लड़ाने का जाओ काम करो, अभी हमें आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, कहते हैं यहाँ पे तो कितने वोट इन चाहिए होते, कहते कितने, मैंने कितने चाहिए, कि 30-35, मैं कहे इतने तो अभी, इतने तो हम ले ही सकते हैं, 1 महीना हो गया, मतलब काफी सलामदारी शुरू में है, काफी चीजों में मैं एक्टिव था, तो वो क्योंकि मैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आया था पॉलिटिकल सिस्टम में। अभी 1 महीने में तो आपको आप खुद अंदाजा लगा दो, 1 महीने में तो बंदे को शहरों के नाम नहीं आते, तो हाँ, आ गया, लेकिन मैंने वो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, वो मेरे लिए बहुत अच्छा, और कॉन्टेक्ट नेटवर्किंग, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो नेटवर्किंग था और पॉलिटिकल सिस्टम को जाना था, और मैंने वो जाना, और आज आज मेरे स्टूडेंट यूनियन के कॉन्टेक्ट्स हैं, जो भी उसी माँ का एसडीपी का डायरेक्टर है वो तब मेरे साथ कैंडिडेट था लिस्ट सही पे, है। और अभी एक ट्रेड यूनियन की जो चेयरमैन है वो मेरे साथ कैंडिडेट थी तब 8 साल पहले, और एक और कैंडिडेट थी वो भी अभी इधर, एक और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एसडीपी की बहुत बड़ी, उसी की चेयरमैन है वो, तो कांटेक्ट बिल्ड हुए, तो वो अभी भी कांटेक्ट में है, और फिर हालांकि वो इतना बड़ा शहर नहीं है योहान्सबर्ग, लेकिन वहाँ के ये सारे वहाँ के लोग हैं, तो जब आप किसी बड़े शहर की पॉलिटिक्स में जाते हैं तो फिर आपके कॉन्टेक्ट ज्यादा ज्यादा बनते हैं, आप ज्यादा लोगों को जानते हैं। मुझे इतना याद है कुछ कॉन्टेक्ट दूसरी पार्टी वालों के साथ भी थे, कैसकुस्ता मुझे याद है, और एक और पार्टी का एक बंदा है, वो मुझे अभी यहाँ पे हेलसिंकी में मेरे कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट बिल्ड किया मैंने, फिर सिस्टम को समझा, ये दो चीजें की, फिर मैं कुछ अरसा जब इधर हेलसिंकी मूव में एक्टिव भी रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा उनके साथ एक्टिव हो गया, फिर कुछ प्रपोजल्स भी दिए थे जो पास नहीं हुए, लेकिन अब ये एसडीपी इंटरनेशनल का जो आइडिया है वो बेसिकली मैंने दिया था 3 साल पहले, कि हमारे लोग बहुत हैं और एशियन लोग और अफ्रीकन लोग सियासत में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन फिनिश में नहीं है, क्योंकि पहली बात यह है कि जिनको आती भी वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है, पहली बात तो ज्यादातर को आती नहीं है, और जिनको
जिनको आती है वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार नहीं वो समझ नहीं आएगी, बोला नहीं जाएगा। तो उसके बाद नंबर टू ये रीजन था। फिर मैं इनके साथ थोड़ा बहुत जैसे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन आते हैं तो उसमें हेल्प करती, या फिर कैम जब म्यूनसिपल इलेक्शन होते हैं तो अभी लास्ट इलेक्शन में इतना हुसैन अलताई जो है वो एसडीपी का कैंडिडेट है उसको सपोर्ट कर रहे थे एस्पो में। तो वो उन उन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो जो कॉन्टेक्ट थे वो बेसिकली सारे वही लोग हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ तब के थे। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो नेटवर्किंग का, कॉन्टेक्ट बनाने का, वो तो अभी जो एसडीपी इंटरनेशनल का डायरेक्टर है वो भी यूएनसो का प्रोविंशियल डायरेक्टर था, वो पूरे सूबे का डायरेक्टर था जो अभी इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, वो हेलसिंकी मूसी आधे उसीमा का डायरेक्टर वो है अभी। तो मैंने कॉन्टेक्ट बनाए जो जो आपको अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट काम आते हैं। मुझे मुझे याद है कि सना मारिन से ही मुलाकात मेरी इसने कराई थी। अच्छा आई मेट हर, मैं उसको मिला हुआ हूँ। तो और बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ तो, और आई थिंक आई वंस सना मारिन के एक सेक्रेटरीज वगैरह, मतलब पीपल यू नो दे नो। अब करते करते कुछ नहीं मिलना ही होता है, तो आप मिल लेते हैं तो जो बड़ी बात होती है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर आप उसको मिल लेते हैं तो दैट्स गुड। तो तो बेसिकली अब्बा जी से शुरू हुई, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने पॉलिटिक मतलब सिस्टम में रहा 8 साल, फिर यहाँ आके तो अभी जो है वो एसडीपी इंटरनेशनल, और होपफुली नेक्स्ट ईयर जो है वो एस्पो से मैं कॉन्टेस्ट भी करूँगा म्यूनसिपल इलेक्शन जो है। अभी तक प्लान यही है, नेक्स्ट अप्रैल में इलेक्शन हैं, और उसके अलावा जो है अभी कोशिश कर रहा हूँ कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें, कोई पॉलिटिकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बना लें। तो आपको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते आते ही, जो आप समझते हैं कि जो न्यू कमर्स हैं या जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं पॉलिटिक्स में उनको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको चैलेंजेस पेश आए थे ताकि वो आपके एक्सपीरियंस से अगर वो लोग सीख सकें जो अभी आना चाहते हैं न्यू कमर्स? देखिए दो चीज़ें जो हैं वो आपको ओवरकम करनी है। पहली तो ये है कि आपको ये बात ओवरकम करनी है कि फिनिश नहीं आती कोई बात नहीं, खैर सिस्टम में कोई ऐसा रुकावट नहीं है कि आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते फिनिश नहीं आती, नंबर वन। नंबर टू ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में आप उसको फेस कैसे करना है मेच्योरली, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% कोई आपके फेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, आपको फील हो रही होती है, कोई बोलता नहीं है। यहाँ की डिस्क्रिमिनेशन जो है साइलेंट है, और आपको कभी कभी बहुत गुस्सा भी आएगा, बहुत होगा, आप हाइपर भी होंगे खासतौर पे आप जो इस एज में होते हैं। ओवरकम करें इन सबको। ये आई थिंक जब मैं मुझे इस बात का नहीं पता था कि डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब जब तक मैं कैंपेन कर रहा था सब कुछ कर रहा था ठीक है बड़ा अच्छा था। अच्छा जब मैं इलेक्शन में जीत गया, और जीतने के बाद हमारी आफ्टर पार्टी होती है हेलसिंकी से, जो चेयरमैन है वो स्टूडेंट स्टूडेंट एसोसिएशन की जो हेड ऑफिस से आई हुई थी पार्टी वगैरह हुई। आप मानेंगे किसी ने ग्रीट नहीं किया सही तरह से मुझे, और मैं वो बंदा था इलेक्शन जीत के आया हूँ, और मैं क्योंकि इतने ज्यादा वोट ले गया था कि हमें एक एक्स्ट्रा सीट मिली थी, किसी ने सही तरीके से मुबारकबाद भी नहीं दी। मैं और मेरा एक दोस्त नवीद थे, हम दोनों गए थे आफ्टर पार्टी बड़े खुश खुश, और मैं तो खुश था ऑब्वियसली, नवीद भी खुश था, लेकिन हमें जो वहां पर रिएक्शन मिला ना वो बड़ा इधर डिस्करेजिंग हेलसिंकी था। की बात कर रहे हैं, यूएनसी की बात कर रहे यूएनसी हैं? की बात कर रहा, पार्टी हेड ऑफिस में हमारे सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे इलेक्शन में। तो इवन छोड़े आप इंटरनेशनल लोगों ने भी, नॉन नॉन एशियन नॉन अफ्रीकन इंटरनेशनल लोग भी जो है ना वो भी, तो डिस्क्रिमिनेशन होगी। आपको लैंग्वेज वाला बैरियर तो है ही है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा आसानी का क्रॉस कर जाएंगे। सेकेंडली आप ये वाला डिस्क्रिमिनेशन है साइलेंट है, आपको फील भी होगी लेकिन कोई मुंह पे नहीं बोलेगा। थर्ड ये है कि आपको समझना पड़ेगा, जो मुझे टाइम लगा, कि इन लोगों के साथ कैसे काम करना है। थिंकिंग ऑफ पोलिटिकल सिस्टम हमारे पोलिटिकल सिस्टम से बहुत फर्क है, जैसे चीजें यहाँ काम करती हैं वो ही वो आपका बैरियर है सबसे बड़ा। समझ अगर आपको नहीं समझना तो आप देखें सबसे ज्यादा वोट मैंने लिए पार्टी का, सब कुछ किया, लेकिन जब पार्टी की एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग हुई कि बोर्ड की सीट जो निगोशिएशन में आ रही है हमारे एक वो मुझे मिलनी चाहिए, वो
वो नहीं दी गई, वो दी नहीं गई मुझे, वो उसको उस बंदे को दी गई, ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी उसको दी गई, जिस जो सिर्फ वो 23 वोट से बनी थी, ठीक है, वो इसलिए बन गई थी 23 वोट से क्योंकि हमारे जो मैंने और जो सेकंड नंबर पार्टी था हमारा, वो इतने ज्यादा वोट ले लिए हमने कि उसकी सीट निकल आई, अब उसकी बाकी सबसे बनती थी। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान का सिस्टम चलता है, लेकिन सिस्टमेटिक है, तो आपको समझना चाहिए चीजें यहाँ आप सिस्टमेटिकली कैसे कर सकते हैं, और सारा सिस्टम वही है लेकिन ये ऑर्गेनाइज है ब्यूरोक्रेटिक। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई वो ये समझना है कि इनके सिस्टम को समझने में बहुत टाइम लगा। तो आप ये वाली जो दो तीन चीजें है ना, डिस्क्रिमिनेशन आप समझें कि होनी होनी है, बस आपने ये समझें कि उसको ओवरकम कैसे करना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और ये लोग हमें जस्टिन ट्रूडो की तरह आएंगे हमारे साथ गले मिलेंगे और डांस वांस करेंगे, वो सब होता है, सब करते हैं ये लोग, लेकिन अनटिल अनलेस जो है ना आप एक सर्टेन पॉइंट तक आप, ये लोग बड़े वेलकमिंग है, बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इन अ पॉइंट जहां आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकें या फिर आप इन्फ्लुएंस कर सकें। जब तक देखिए ह्यूमन नेचर है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको वेलकम करता है, जब तक उनका फायदा हो रहा है। तो इनका पोलिटिकल सिस्टम भी ऐसा है, हर हर लेवल पर जाएंगे आप, तो जब तक आप उनको फायदा दे रहे हैं इट्स गुड, जब तक आपको उनको लगेगा ना कि अभी हमसे फायदा लेगा, तब वहाँ आपकी जो है ना स्किल्स काम आती हैं कि भाई इनसे हमने फायदा कैसे लेना अपना आपका भी। देखना कोई बंदा पॉलिटिक्स में आ रहा है उसका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव तो अचीव करने हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा हाउ। वो हर हर बंदे की स्टोरी कहानी, लोग फर्क होते हैं, ठीक है, फर्क कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई बहुत नाइस लोग मिल जाते हैं, लकी हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं मिलते, तो सिस्टम ये है। तो इन माई पर्सनल मेरी पर्सनल इंसाइट यही है कि ये तीन चीजें जो है ना, चौथी और वो सबसे मुश्किल ये है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो किसी भी लेवल पे हो तो आपको बहुत पहले काम करना पड़ेगा अपनी आइडियोलॉजी और अपना जो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहूँ या क्या कहूँ, जो ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन जो है ना वो आपकी बड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। सही है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ मतलब लॉन्ग टर्म रहने का इरादा अगर है फॉर एग्जांपल, तो उस लिहाज से जो स्टूडेंट्स अभी आना चाहेंगे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में, सपोज जो अभी इस साल आ रहे हैं या इसके बाद भी आएंगे, तो जिन लोगों ने यहाँ लॉन्ग टर्म रहना है उनकी उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि रहने के लिहाज से, कि क्योंकि मैंने खुद कुछ लोगों से मिला हूँ जो यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी तो नहीं, अमेरिकन कह लें या गोरे जिनको कह लें आप, वो दस दस 15-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनको लैंग्वेज वगैरह नहीं आती यहाँ की ना, क्योंकि ज़ाहिर उनका काम इस तरह का है, कोडर हैं या कोई और उनकी जॉब का है सिनेरियो, तो लेकिन जो हम लोग हैं और मैंने ये भी फील किया यहाँ पे रहते हुए कि जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं हम लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते लैंग्वेज को सीखने में, उसमें एफर्ट नहीं इतनी डालते एज़ कम्पेयर टू जो ये इराक के लोग या मिडल ईस्ट के लोग जो हैं, ये ज़रा ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं या ये ज़्यादा एक्टिव अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में सीखने के लिए। तो उस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना चाह रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपने अभी बताया कि आपको इतनी नहीं है अभी लैंग्वेज पे अबूर, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि लैंग्वेज इनकी काफ़ी टफ है, तो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म रहना चाह रहे हैं लैंग्वेज क्या वाकई सबसे इम्पोर्टेंट है सीखनी, या उसके बगैर भी कुछ हद तक आप गुजारा कर सकते हैं, और उस लेवल के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूनसिपैलिटी में इलेक्ट होते हैं उसके बाद अगर आपने फर्दर ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, या क्या उसमें आपकी है इनपुट? जी डेफिनेटली, लैंग्वेज के बगैर तो काम नहीं है ना, बात यह है कि कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई काम नहीं होगा। वोट लेने की हद तक चले आप अपने लोगों से अपनी जुबान में इंग्लिश में अपने लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में कर लेंगे, लेकिन जब जब असल काम करने की बारी आएगी वो तो यही है ना कि हाथ पे जाके प्रमोशन मूव करें या फिर आप इन्फ्लुएंस करें, लॉबी करें, अगर आपने कुछ चीज़ पास करवानी है तो, या कोई डिसीजन मेकिंग में अगर आप अहम रोल अदा करना चाहते हैं, या अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर फोरफ्रंट पर रहें, तो आई थिंक कम्युनिकेशन तो की है उसमें। आप विदाउट कम्युनिकेशन आप आगे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, फिर आपका लिमिटेड रहता है। तो आई थिंक डेफिनेटली लैंग्वेज
बहुत जरूरी है। और अगर अगर आपकी लैंग्वेज नहीं भी है तो देन आप एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो लोअर लेवल पे होती है जो ज्यादातर। अब जो नेशनल इश्यूज हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, वो पार्लियामेंट में होते हैं, बाकी जो है लोअर इश्यूज हैं जो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं ज्यादातर, वो तो फिर म्यूनिसिपल पे होते हैं। सही है। तो इसके अलावा आपका कोई नेबरिंग कंट्रीज में भी है आपकी कोई जान पहचान, फॉर एग्जांपल नॉर्डिक्स में? मैं स्पेसिफिकली स्कैंडिनेविया नॉर्डिक्स का पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं इस तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व उन कंट्रीज में या? हम काफी जानते हैं, सच कोई कैंडिडेट तो नहीं है लेकिन वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काफी एक्टिव हैं। लेकिन जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये बेसिकली इसकी सिस्टर पार्टीज जो है हर मुल्क में है, नॉर्डिक रीजन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर जर्मनी में स्ट्रांग है। तो ये जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है ये काफी एटलीस्ट EU के लेवल तक जो है ना काफी स्ट्रांग है, काफी मुल्कों में इनकी सिस्टर पार्टीज हैं, खासतौर नॉर्डिक में तो इनका एक सिस्टम ऑलमोस्ट पॉलिसीज जो ना थोड़ी फर्क है, जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो अभी अभी इन्होंने न्यू रूल पास किया है या पास करने वाले हैं कि उसमें अगर किसी ने पासपोर्ट या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसको सर्टन इयर्स तक यहाँ रहना होगा, फॉर एग्जांपल पहले 5 साल की थी लिमिट, अब वो 8 साल की कर रहे हैं, तो उसमें उसको आप किस लिहाज से देखते हैं? एसटीपी पार्टी जो आपकी पार्टी है वो भी इसकी सपोर्ट में है या वो उसका आपको डिफरेंट स्टांस है? और उसके बाद आप पार्टी का एक स्टांस बता दें और उसके बाद आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चेंजिंग के ऊपर जो ये लॉ चेंज कर रहे हैं सिटीजनशिप के हवाले से? पार्टी का जो ओपिनियन है वो बेसिकली पार्टी कोई भी ऐसा लॉ या पॉलिसी जो एंटी इमिग्रेंट हो, ये इट इज डेफिनेटली एंटी इमिग्रेंट, या फिर ऐसी पॉलिसी हो जिससे इमिग्रेंट्स डिस्करेज हों और दे माइट वांट टू लीव द कंट्री, क्योंकि हमारी पार्टी समझती है कि इमिग्रेंट्स जो इस मुल्क में हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सोसाइटी एज वेल एज मेजर इकोनॉमी में, बहुत है इनका रोल है। तो उन दोनों लिहाज से दिस, और एक फैक्टर जो है कि फिनिश पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी भी इमिग्रेंट्स के ऊपर भी टू सम एक्सटेंड है, तो उस लिहाज से जो पार्टी पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है कि दे प्रोटेस्ट। और अगर आप पिछले जो गवर्नमेंट थी उसमें कोई एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी नहीं आई थी सन हमारे की गवर्नमेंट में, तो हमारी तो इट वॉज मोर लाइक लेफ्टिस्ट थी, पर लेकिन एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज जितनी भी ये कोकोमुस उनके पिछले गवर्नमेंट में भी जो हमारी पार्टी के साथ जो मुद्दा था वो यही था कि वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज लाना चाहते थे और ये स्टक डाउन करते थे। तो सारी जो पिछली जो गवर्नमेंट में ज़्यादा तो इनके साथ उल्टमेम की होती भी थी वो सारी यही थी कि तुम लोग प्रो इमिग्रेंट्स हो, फिनलैंड को तबाह कर रहे हो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन आई थिंक पर्सनली जो मेरा मानना ये है कि फिनलैंड की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा जो हाथ है पॉपुलेशन वाइज नंबर वन, सेकंड ये है कि इनकी इकोनॉमी ऑफ द, हमें बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं उनको शायद ये लगता है कि रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि पूरे EU में और वेस्ट में ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जो जॉब सेक्टर है ना वो सारे इमिग्रेंट्स ने संभाला हुआ, बहुत सारे सेक्टर जो है वो चले इनकी वजह से रहे। तो बिल्कुल अगर आप इकोनॉमी, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो बहुत सारा चंक फिर वहीं से आता है। तो इट डिपेंड्स, तो मेरे ख्याल से तो ये है कि इनको प्रो इमिग्रेंट्स पॉलिसीज जो है, और अगर किसी किसी फॉर एग्जांपल किसी वजह से ये लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल अभी जिनकी वजह है वो इकोनॉमी है, तो आई थिंक देर कैन ऑलवेज बी ऑल्टरनेटिव्स, और अगर कोई इंसान करना चाहे तो कर सकता है। जैसे अभी अभी इन्होंने 8 बिलियन यूरोस के दिए हैं, तो हमारी जो पार्टी है उसने उसके अल्टरनेटिव दे दिए कि आप अगर इसको ना काटें तो यहाँ से भी तो काट सकते हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर पार्टी की ना अपनी लाइन है, वो प्रो कैपिटलिस्ट है सारे, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा फेवर करते हैं, इनकी कोशिश ये होती है वर्किंग क्लास को फेवर करें, तो ये एक पोलिटिकल, तो फिर ये लॉन्गर डिसीजन है वो फिर किसको इलेक्ट करते हैं। इन्होंने इलेक्ट किया है एंटी इमिग्रेंट्स पॉलिसी वालों को, और अब वो उन्होंने प्रॉमिस किया था इकॉनमी को फिक्स करेंगे, लेकिन अगर वो चाहते तो इंडस्ट्रियल साइड से थोड़ा कर सकते थे, देर अदर वेज टू डू इट, पर लेकिन उन्होंने फिर जो वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ से काटना शुरू किया। तो जो मेरा पर्सनल व्यू है वो यही है कि आई थिंक इमिग्रेंट्स जो हैं वो
इस मुल्क में, अभी से नहीं, फ्रॉम डेकेड्स जो है ना, इनकी इकॉनमी में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ना सिर्फ इकॉनमी में, ओवरऑल भी जो है इमिग्रेंट्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में सोशली जो है ना वो बेनिफिट ही कर रहे हैं इस मुल्क को। तो दे शुड, ये जो पॉलिसी है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी गलत पॉलिसी है। अगर एक यू के लॉ मिनिमम 4 साल और 5 साल वाला है, तो इट शुड, अब मुल्कों के पास है ये, उनको ये राइट है कि वो इसको चेंज कर सकते हैं, तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बट आई थिंक कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई, तो आई एम श्योर कि वो इसको रिवर्स करेंगे। वैसे भी मतलब जैसे आपने भी कहा है कि इमिग्रेंट्स ने काफ़ी फिनलैंड को फ़ायदा पहुंचाया है, ज़ाहिर है उनका हाथ है। अगर वो बेनिफिट्स ले भी रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने पहले काम किया है, तो उसी के वो ले रहे हैं ना, अगर जॉबलेस हुए हैं तो। और इसके अलावा मैं समझता हूँ जो एक सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, या जो रेफ्यूजीज हैं, कि पहले तो फिनलैंड को कोई जानता ही नहीं था, कोई आज से मेरे ख्याल 5-10 साल पहले लोगों को नहीं पता था पाकिस्तान में या साउथ एशिया में। जब से इमिग्रेंट्स यहाँ आना शुरू हुए हैं, जैसे आप आए हैं या उससे आपसे पहले लोग आए हैं, तो उसके बाद फिनलैंड को दुनिया में जानने लगा, स्पेशली साउथ पार्ट के अंदर या साउथ एशिया के अंदर, या उन नहीं, जहाँ जो पॉपुलेशन के जहाँ हब है, मतलब हमारा जो एरिया चाइना, इंडिया, साउथ पाकिस्तान और ये सारा एशिया का जो एरिया सबसे पॉपुलेटेड तो वही है ना। एशिया। हाँ, तो उसी उसी के वजह से, उन्हीं के इन्फ्लक्स की वजह से फिनलैंड यानी दुनिया में भी अभी जाना जा रहा है कि फिनलैंड भी एक कोई कंट्री है। पहले तो लोग ज़्यादातर नॉर्वे को जानते थे या स्वीडन को। वो बेसिकली ये है कि नॉर्वे हो गया, वो 40 साल पहले इंटरनेशनलाइज्ड हुए हैं। स्वीडन भी सेम, क्योंकि उससे भी पहले का। तो फिनलैंड तो बेसिकली ये अभी 2010 के बाद, अगर आप कहें तो ज़्यादा पॉपुलेशन आना शुरू हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, इमिग्रेंट्स की। यहाँ पे आईटी सेक्टर जब बूम में था, तब तब से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। लेकिन ज़्यादा अगर आप देखें तो ये पिछले एक डेकेड में इंटरनेशनल, अभी ये एक डेकेड हुआ इनको सही तरह से। अब जाके थोड़े पहले से बेहतर हैं, आप सोशली देखते हैं कि चेंज काफ़ी आ चुका है। लेकिन आई थिंक इस साइड पे आई एम विद फिंस के वो एकदम ही इंटरनेशनल बूम आ गया, और ये पहले ही भी इंट्रोवर्ट कॉम है, उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन देखी नहीं है। तो आई थिंक मैं इस पॉइंट तक कहूँगा कि ये थोड़ा वक्त लगेगा उनको भी, उनके लिए भी। जाहिर बात, उनकी कंट्री है। ये इसी तरह था जब हम किसी कोई मुल्क जो पहले इंटरनेशनल लोगों के लिए ओपन ही ना हो, एकदम से आ जाए, तो फिर दे नीड टाइम टू एडजस्ट। यूके के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब लोग वहाँ इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ था, तो इश्यू सेम थे। आई थिंक किसी भी सोसाइटी में ये सेम ही होता है, पर ये थोड़े डेकेड्स लगते हैं, फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब नेदरलैंड्स में देख लें, उनकी वहाँ पे भी इंटरनेशनल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में भी सेम है। तो नॉर्डिक रीजन में नॉर्वे और स्वीडन है बहुत पे, लेकिन बाकी जो है ना वो थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन इसके अंदर फाइनल लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर भी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं यानी जो फिन्स हैं, जी, वो जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके बच्चों को जैसे स्कूल्स के अंदर या उसमें इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उनको इनक्रेज करते हैं कि वो जो अपने कोर्सेज हैं वो ज़्यादा वो लें, वोकेशनल कोर्सेज, ताकि वो यानी फ़ौरन ही कोई स्किल सीखें, उसके बाद उसमें इकॉनमी कंट्रीब्यूट करें। तो इस तरह की भी यहाँ पे है रविश के फिन्स जो है वो ज़्यादा फेवर नहीं करते कि इंटरनेशनल ज़्यादा पढ़े लिखे हों, यानी ये रिसर्च लेवल के ऊपर जाएं या ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर जाएं, वो ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं, या उनको यही कोशिश होती है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको इसकी तरफ तरगीब दिलाई जाए कि वो ज़्यादा स्किल बेस्ड काम सीखें तो फ़ौरन ही इकानमी में कंट्रीब्यूट करें। इस तरह की आपने कुछ चीज़ देखी है इस माशरे में? मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं रजिस्टर्ड नर्स, तो उसमें बहुत सारे समाज के साथ काम करता हूँ, और दूसरे मुल्कों के भी काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड में। तो मैं आपसे डिसएग्री करूँगा इस बात पे। वो इसलिए डिसएग्री करूँगा क्योंकि अगर इस मुल्क में आप कुछ करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ने आपको सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो फिर कोई आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता, अनटिल अनलेस आप, जैसे सोमाली कम्युनिटी को मैं देखता हूँ, तो उनके आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लाइव होता है उनके, क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि एक कम्युनिटी है जिसमें लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर कुछ लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर वो एक ही फील्ड को फॉलो कर लेते हैं। उसकी रीजन बड़ी लॉजिकल होती है, क्योंकि वो फील्ड चूज करते हैं जिसमें वो जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, जिसमें जैसे बस ड्राइविंग हो गई, टैक्सी ड्राइविंग हो गई, लाइक होता हो गया, या फिर इस तरह की ऐसी जॉब्स जिनसे आप
پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسے کما سکیں. ہوں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس سائڈ پہ اس لیے زیادہ جلدی آ جاتی ہے بیکاز سم ہاؤ دے نیڈ, وہ تھوڑے اس لیے فن لینڈ میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ اکنامیکل بیک گراؤنڈ جو تھوڑا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو اگر وہ ریفیوجیز ہیں تو وہ پھر بھی سیم وے میں یہی ہے کہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں اور وہ ایسی اسکلز ڈھونڈتے ہیں, ایسے کورسز ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھو آپ, آپ کو ریفیوجیز سائڈ سے کوئی ریسرچر نہیں ملتا. اس کی ریزن یہی ہے کہ ریسرچر کی پراپر ارننگ کرنے کے لیے پہلے بیچلرز کرنا پڑتا ہے. اب دوسری جو مرضی کر لیں, جو فنش کا جو فنش کی وہ ہے بیریئر جو ہے وہ ایون سومالی کمیونٹی کو بھی ہوتا ہے کسی حد تک. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایون تو یہاں پیدا ہوتے ہیں لیکن میجورٹی میں یہ فنش اسکول میں بھی جاتے ہیں لیکن میجورٹی جو ان کی لینگویج ہوتی ہے وہ اپنی یوز کرتے ہیں. یہ بیچلرز لیول سائڈ پہ ریسرچ لیول پہ نہیں جاتے, یہ موسٹلی وہ جو ہے نا اپلائڈ سائنسز والی اسکل بیسڈ ڈگری کی طرف جاتے ہیں. تو جب ایک وہ آئی ٹی میں بھی آپ کو نہیں دکھتے, آپ کو ڈاکٹر ملیں گے, نرسیں ملیں گی, پریکٹیکل نرسیں ملیں گی, آپ استاذہ ملے گا, وہ ملے گا, ٹیکسی ڈرائیور ملے گا, کلیننگ کے سائڈ پہ بھی شاید مل جائے. تو ریزن ٹیکسی انڈسٹری میں تو بہت ہیں. ہاں وہ کیوں, کیونکہ وہ 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 کوئک سورس آف منی ہے نا, ارننگ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے, جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہ بیسیکلی اکنامک بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چار سال چھ سال نہیں ویٹ کرنا چاہتے کہ پہلے بیچلرز کرے پھر ماسٹرز کر کے کہیں جا کے 3-4 ہزار کی نوکری کرے. تو وہ کہے گا میں 6 سال پڑھنے سے بہتر ہے نا کہ میں لائی ہوتا ہے بن جاتا ہوں, ٹھیک ہے سائرن ہوتا ہے بن جاتا ہوں, یا ٹیکسی ڈرائیور بن. ان کا لاجک یہی ہے کہ بھائی جو آپ نے آگے دیا تھا کہ بھائی جب میں چھوٹا کام کر کے اس کے جتنے پیسے کما سکتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے ابھی 6 سال اپنا. اور سیکنڈلی ان کی کمیونٹی میں کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے نا, ٹرینڈ بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں ریسرچ جو ہے, ریسرچر جو ہیں وہ ایک آئی ٹی کی فیلڈ کمپٹیشن بھی بہت ہے اور ایک ٹرینڈ بھی ہے, لوگ فالو بھی کرتے ہیں, انسپائرڈ بھی ہوتے ہیں, ان میں نہیں ہے. تو آئی تھنک میں آپ سے اس بات پہ ڈس ایگری کروں گا. میرے ایکسپیرینس ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ وقار, آپ کے ساتھ بات کرنے کافی مزہ آیا ہے. کچھ ایسی چیزیں مجھے معلوم ہوئی, مجھے پہلے مجھے پتہ نہیں تھی, تو بہت شکریہ آپ کا. ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونیٹی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایس ڈی پی کے پلیٹ فارم سے پولیٹکس جوائن کرنا چاہتے ہیں, ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں, یا جس فار سیک آف لرننگ, تو فیس بک پہ ایس ڈی پی انٹرنیشنل کے نام سے ہمارا پیج ہے, آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یا آپ مجھے پرسنلی میسج کر دیں. اس کے علاوہ بھی آج کل وی آر ان پروسیس ٹو ابھی ایک نئی آرگنائزیشن کو پاکستانی کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے جسٹ فار دا سیک آف پولیٹکس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی گروپس ہیں, ان کو سب کی ریپرزنٹیشن لے کے, تو پاکستانی بیسڈ ایسوسیشن فار دا سیک آف پولیٹکس, تاکہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں, اور فائنلی جو ہے کہ اب جو صورتحال چل رہی ہے وہ کوئی انڈیکیشن اچھے نہیں ہے آگے سوسائٹی کے بھی. ہمارے مسئلے مسائل ہوں گے, اگر ابھی نہیں ہے 10 سال بعد ہوں گے. تو آئی تھنک ہمیں پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے, لیڈرشپ کریٹ کرنی چاہیے, اور کوئی ایسی اگر تنظیم شروع کر رہے ہیں تو اس کا حصہ ضرور بننا چاہیے, ایٹ لیسٹ آ کے ان کا منشور سنیں, اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور جوائن کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں ان کے جو پیج ایس ڈی پی کا اس کا لنک بھی ڈال دوں گا نیچے, اگر جہاں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی اگر آپ کا پیج ہے تو آپ مجھے پھر لنک بھیج دیجیے گا. وہ جی میرا بھی ایک, میں نے بھی ایک پولیٹیکل پیج ہے میرا اپنا وقار ایس ڈی پی کے نام سے, وہ بھی اس پہ مجھے اس پلیٹ فارم پہ میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو ہیو اے نائس ایوننگ دین. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.